Ya hi na hi na
महिमा बखानी हेबे हमर खुशी अगाते नजत फूल कब रहे समतुल सर्वतरी कृष्ण तव पत्र मंजरी विलासी नाम श्री कृष्ण भक्ति विधान श्री नारायण गोपाल महाराज की जय। इसलिए प्रवेश कम पादश्रद्धा श्री कृष्ण भक्ति विधान श्री विक्रम गोस्वामी महाराज की जय। इसलिए प्रवेश कम पादश्रद्धा श्री कृष्ण भक्ति विधान श्री वामन गोपाल महाराज की जय।
नितलिया प्रविष्टम विष्णु पाद शुद्ध श्री शिव भक्ति विराट स्वामी महाराज की जय। नितलिया प्रविष्टम विष्णु पाद शुद्ध श्री शिव भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज की जय। नितलिया प्रविष्टम विष्णु पाद भक्ति रक्षित भारती गोस्वामी महाराज की जय। नितलिया प्रविष्टम विष्णु पाद शुद्ध श्री शिव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। नितलिया प्रविष्टम विष्णु पाद भक्ति सिद्धांत सर्वे छात्र प्रभुपाद की जय। समस्त रूपानंद गुरुवर की जय। सपरिकर्ष गौरवर की जय। सपरिकर्षी राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की जय। संध्या आरती तुलसी परिक्रमा की जय। श्री भागवत कथा प्रथम की जय। भागवत कथा श्रवण कार्य भक्त की जय। समागत गौर भक्त कंज की जय। पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि गो अज्ञानतिमिरमस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आचार्यं पितृभ्यो कनकापदातो सङ्कीर्तने कपित्रो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधारणपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो बर्हातिरभ्रटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवास कनककपिशनं वैजयन्तीं च मालं रन्ध्रान् वेणुरदर्शधया पूरयन् लोकवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशस्थितकीर्ति भजामि राधाम् अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणाभराद्रां ततो मन्यास्ति गतेर्न कापि भक्त्यार्विहीनापराधलक्ष्ये चित्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं लीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रय सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। श्रीकृष्णचैतन्या प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवहरि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम।
चल जाएगी।
हरे कृष्णा हरि बोल, इसका आवाज अटा हुआ तुम्हारा है, इसका आवाज ठीक करो। हरे कृष्णा हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। हाँ, एक बार हाथ उठा के बोलो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म परमाराधितम श्री श्रीमद् भक्ति विदान श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत परम गुरुदेव वर्ग नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमलों का आश्रय लेते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा श्रोत मंडली सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री भागवतम की महिमा, श्री पद्म पुराण के अंतर्गत किस प्रकार श्री नारद जी जब भूलोक पर आए उन्होंने भक्ति देवी और उनके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य की दयनीय स्थिति को देखकर श्री चतुसेन के मुखारविंद से श्री भागवत कथा का श्रवण किया। और भागवत कथा के श्रवण मात्र से ही वहाँ पर श्री ठाकुर जी उपस्थित हुए हैं। जब ठाकुर जी वहाँ पर स्वयं विराजमान हो गए, सब परिकर ठाकुर जी को देखकर किस प्रकार वहाँ पर प्रहलाद स्थालधारी तरल गति तया, श्री सुखदेव गोस्वामी बड़ा सुंदर रूप में वर्णन करते हैं कि वहाँ पर हरिनाम संकीर्तन हुआ है, मुक्त कंठ से सभी जो है भगवान के सुंदर नामों का गान कर रहे हैं, और गान करते करते वहाँ पर प्रहलाद महाराज स्वयं ताली की सेवा कर रहे हैं, करताल बजा रहे हैं, अर्जुन वहाँ पर राग अलाप रहे हैं, इंद्र वहाँ पर मृदंग की सेवा कर रहा है, वहाँ पर चतुसन वे स्वयं जय जयकार कर रहे थे, और किस प्रकार भक्ति देवी, गान तो है ही लेकिन साथ में नृत्य करने वाला कोई नहीं था, तो भक्ति देवी स्वयं अपने दोनों पुत्रों के साथ में वहाँ पर नृत्य करते करते सुखदेव गोस्वामी वहाँ पर सभी श्लोकों का मधुर स्वर में उच्चारण कर रहे हैं। इतना सुंदर वर्णन जब श्री भागवतम का हुआ तब भगवान ने स्वयं वहाँ पर कहा कि आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम मुझसे क्या करो, वर मांगो। तब सभी ने वहाँ पर हाथ जोड़कर प्रभु से याचना करी है कि हे प्रभु, यदि कोई आपकी ये भागवत कथा श्रवण करे तो आप एक वरदान दीजिए कि वो कभी तृप्त ना हो, कभी उसे तृप्ति ना हो। भगवान कहने लगे कि ये भी कोई वरदान हुआ भला, ये तो भक्ति का स्वाभाविक गुण है कि जब भक्ति के अंदर क्या आत्मरामता आप्तकामता ये कभी आते ही नहीं है, तो ये तो कोई वरदान नहीं हुआ, कुछ और वरदान मांगो। तब वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने वरदान मांगा कि जिस स्थान पर भी यह श्रीमद् भागवत कथा होगी उसी स्थान पर आप स्वयं वहाँ पर विराजमान रहेंगे, यही हम वरदान चाहते हैं। तो उसी क्षण भगवान ने तथास्तु करके वहाँ से अंतर ध्यान हुए हैं। उस समय पर श्री शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं कि ये भागवत कथा ने भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य की जीर्णता को तो दूर किया, किंतु यदि कोई पापी व्यक्ति हो, यदि किसने पूर्व जन्म में केवल मात्र पाप ही किए हो, क्या वो भी उद्धार हो सकता है? उस समय पर स्वयं सुखदेव गोस्वामी स्वयं शौनकादि ऋषि को वर्णन करते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं कि ये मानवा पाप कृतम तो सर्वता, कि जिन्होंने पूरे जीवन पाप के अतिरिक्त कुछ यदि किया ही नहीं हो उनको भी ये श्री भागवत कथा पावन करने वाली है। उस समय पर बड़ा सुंदर एक वृत्तांत सुनाते हैं श्री आत्मदेव का कि तुंगभद्रा नदी के किनारे, कर्नाटका में एक तुंगभद्रा नदी है, उस नदी के किनारे एक सदाचरण ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव।
नाम ही था आत्मदेव और इनके क्या था, पूर्ण रूप से सदाचार संपन्न थे, बड़े विद्वान पंडित, सारे ब्राह्मणों के क्रिया में पूर्ण रूप से निष्णात, द्वितीय एवं भास्कर, कहते हैं विद्वानों की सभा में इनको भास्कर स्वरूप विद्या भास्कर का उपाधि दे रखी थी, इतने प्रगाढ़ पंडित थे। घर में लक्ष्मी की भी कोई कमी नहीं थी, पूरा धन धान्य से घर भरा हुआ था। इनकी पत्नी अपने पति से पूरी विपरीत, इनकी पत्नी का नाम था धुंधली, यथा नाम तथा कृत्य, जैसा नाम वैसा ही इसके गुण। धुंधली अर्थात ये सबसे झगड़ाई करती रहती थी, जब तक घर में कलह ना हो, जब तक इतनी कलह प्रिय थी कि जब तक दिन में 3-4 बार लड़ ना ले तो इसको शांति नहीं मिलती थी, खाना ही नहीं पचता था। घर में दिया हुआ सब कुछ था लेकिन इनको कोई पुत्र नहीं था, पूर्व जन्मों के पापों के अनुरूप इनको कोई पुत्र नहीं हुआ था, तो पुत्र के वियोग में इतने दुखी हो गए थे क्योंकि पितृ कभी भी इनके द्वारा प्रदत्त पिंड ग्रहण नहीं करते थे। इनके घर में यदि कोई वृक्ष रोपण होता अरे तो वो वृक्ष भी फलहीन रह जाता, गाय घर में पाल रखी थी वो गाय को भी बछड़ा नहीं हुआ, इतने दुर्भाग्य थे ये। बोलो श्री गुरुदेव की। तब वहां पर आत्मदेव इतने दुखी हो गए कि पुत्र की याचना से पुत्र को प्राप्त ना होने के कारण बड़े दुखी होकर एक दिन जंगल में आत्महत्या करने चले गए। मन में विचार किया कि मैं ये प्राण धारण ही नहीं करूंगा, जीवन त्याग कर दूंगा। जब जंगल में जाकर एक सरोवर के किनारे जोर जोर से क्रंदन कर रहे थे उसी समय पर वहां से एक सन्यासी निकले। सन्यासी ने इनका क्रंदन सुन के और वहां पर आए हैं बोले, कथम रोदसी तुम विप्र, क्या कारण है, कहते चिंता बलियसी, क्या कारण है तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारी चिंता का निवारण हम करेंगे, ज्यादा बदलाव तो। तो उस समय पर आत्मदेव ने कहा कि पूर्व जन्मों के न जाने कैसे पाप थे, उसके फल स्वरूप हमें सब कुछ दिया हुआ भगवान का है लेकिन केवल घर में एक पुत्र नहीं है, केवल घर में पुत्र नहीं है। अभी पुत्र के हरे कृष्ण, अभी पुत्र के वियोग में ये इतने दुखी हो गए हैं कि प्राण त्याग करने के लिए आ गए थे। अभी यहाँ पर श्री सन्यासी महाराज इनको उपदेश देने लगे हैं, बोले कहाँ तुम ये घर गृहस्थी में पड़े हुए हो, अरे सगर महाराज के तो 60,000 पुत्र थे, क्या वो सुखी हो पाए, 60,000 के 60,000 पुत्र जल के राख हो गए। अंग महाराज उनका भी ऐसा ही था, चित्रकेतु महाराज उनके भी पहले पुत्र नहीं था, पुत्र 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 करते करते बड़ी मुश्किल से एक पुत्र प्राप्त हुआ था ऋषि के फल ऋषि के प्रसाद स्वरूप, और बाद में उन्हीं की रानियों ने पत्नियों ने उस पुत्र की हत्या कर दी, बाद में वही पुत्र दुख का कारण बना। अगर आपकी ये धारणा है कि पुत्र होने से आप सुखी हो जाएंगे तो ये केवल मात्र मूर्खता है, आप मूर्ख होकर और ये धारणा बनाए हुए हैं कि पुत्र आपको सुखी कर देगा, पुत्र परिवार सुखी नहीं कर सकता। यहाँ पर उपदेश देते हुए सन्यासी महाराज कहते हैं कि सन्यासम परमो सुखम, यदि कहीं पर परम सुख प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे साथ सन्यास ग्रहण करो और चलो भगवत भजन में खुद को नियुक्त हो जाओ। यहाँ पर आत्मदेव विचार करने लगे, बोले बाबा ये ऐसे पंडितों का ज्ञान देना हमें आपसे अच्छे से आता है, हम ब्राह्मण हैं ये ऐसे वक्तव्य देना हमें आपसे अच्छे से आता है, अरे आपको क्या पता, पुत्र परिवार जब घर में हो, पुत्र परिवार से समन्वित परिवार ही पूर्ण है, वहां पर कहते हैं ये कि गृहस्थो सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वित, कि घर में यदि पुत्र की किलकारी हो, जब घर में बाहर से पिताजी आए नौकरी से तब पापा पापा मामा मामा करके जब छोटे बच्चे बुलाते हैं और जो जब खेलते खेलते वो बच्चों के साथ में अलग अलग हरकतें करते हैं, अरे उनको देख के ही तो गृहस्थ के जीवन में आनंद है, तुम सन्यासी बाबा तुमको क्या पता गृहस्थ का क्या सुख होता है, इसलिए ये उपदेश मत दो, पुत्र दे सकते हो तो पुत्र देने का कुछ उपाय करो। उस समय पर सन्यासिनी जी ने सोचा और इनको कह दिया, बोले देखो हम थोड़ी ज्योतिषी जानते हैं, हमने देखा है कि इस जीवन में तो क्या अगले 7 जीवन तक तुम्हारे कोई पुत्र होने नहीं वाला, तुम्हारे पुत्र का कोई योग नहीं है। और ये सुनते मात्र तो ही आत्मदेव वहाँ पर छाती पीट पीट के रोने लगा, रोते रोते ब्राह्मणों के चरणों में बोले माथा पीट रहा है, मैं आप अपने प्राण त्याग कर दूंगा मैं और ये जीवन ही धारण नहीं करूंगा, हम आपसे मिले थे हमने सोचा था संत से मुलाकात हुई है आप हमारे दुख का निवारण करेंगे, आपने तो हमारा दुख और 7 गुना बढ़ा दिया, कहते हो 7 जन्मों तक कोई पुत्र की लालसा नहीं, बोले हाँ बात तो यही है, बोले अब तो मैं आपके चरणों में ही प्राण त्याग करूंगा और मेरी बात ध्यान से सुन लो, आपके चरणों में प्राण त्याग करूंगा आपको ब्रह्म हत्या का पाप और लगेगा, ब्राह्मण हत्या होगी तो आपको उसका पाप झेलना पड़ेगा, नहीं तो हमें पुत्र का कोई उपचार बताओ।
यहाँ पर सन्यासी जी सोचने लगे भैया अच्छी राम राम हुई उनसे, हम तो अपने रास्ते जा रहे थे, कहाँ थोड़ा सा समझाने के लिए आए और ये तो हमें ही ब्रह्म हत्या लगा रहे। उस समय पर सन्यासी जी ने क्या किया, एक फल वृक्ष से तोड़ के अभिमंत्रित करके और आत्मदेव को दिया है और कहा कि इसको खाने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, इसे अपने पत्नी को दे देना। उसको देने मात्र से ही आत्मदेव बड़े आनंदित हो गए। नाचते नाचते जब घर में आए हैं, बोले भाग्यवान सुनती हो, बोले क्या हुआ, बोले ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, बोले क्या लाए हो, हाथ में देखा तो एक फल, बोले कि पगलाए गए हो, इतने उत्साह से आ रहे थे, हमें लगा कोई बढ़िया यजमान मिला होगा, बहुत बढ़िया दक्षिणा मिली होगी, कोई नौलखा हार लाए होगे, ये क्या फल लाए हो, मैंने अभी तक फल नहीं खाया क्या, ऐसे फल हमने बहुत खाए हैं। बोले पगली ये साधारण फल नहीं है, इसको खाने से पुत्र होगा। बोले इसको खाने से पुत्र होगा, अच्छा। धुंधली यहाँ पर विचार कर रही है कि यदि पुत्र हो गया, यदि मैं गर्भवती हो गई, गर्भवती होने पर मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री का पेट बाहर आ जाता है, ठीक से चल भी नहीं पाती है और खाने पीने में भी बड़ी असुविधा होती है, यदि गांव में कभी आग लग गई तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी, यदि चोर डाकू घुस आए तो मेरी तो अवस्था ही खराब हो जाएगी, और इस तरह से अनेक अनेक कुतर्क देने लगी। धुंधली यहाँ पर सोच रही है कि मैंने सुना है सुखदेव गोस्वामी तो 16 साल तक माँ के गर्भ में रहे थे, अगर मेरा पुत्र 3-4 साल भी अगर गर्भ में रह गया तो मेरी तो अवस्था खराब हो जाएगी, मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। तो ये सब सोच करके एवं कुतर्क योगिना तत्फलम नैव भक्षितम, इतनी कुतर्की थी वो कि इन सब कुतर्क के वश्त उसने वो फल का भक्षण नहीं किया, वो फल खाया ही नहीं। उसकी बहन जब कुछ समय बाद में आई तो उसकी बहन को भी सारी कहानी कह सुनाई। उसकी बहन वहाँ पर कहने लगी तुम्हारे पति ना साधुओं के साथ में रह रह के पागल हो गए हैं, अरे फल खाने से कोई बच्चा होता है क्या, तो एक काम कर मेरे घर में कुछ खिलाने को नहीं, तो भी मेरे 8 पुत्र हैं और तेरे घर में कोई खाने वाला नहीं, मैं काम करूँगी मैं अपना पुत्र तुझे दे दूँगी और तू मेरे पति को उसके विनिमय में कुछ पैसा दे देना, और एक बात सुन ये जो फल है ना ये फल उस गाय को खिला दे, देखते हैं साधुओं की फल में कितनी शक्ति है। और जैसे ही ये डील तय हो गई धुंधली तो बड़ी आनंदित, बोले गर्भवती होने की बस एक्टिंग करनी पड़ेगी और पुत्र का पुत्र भी मिल जाएगा। अभी जैसे ही उसकी बहन को पुत्र हुआ है, रातों रात उसने उस पुत्र को अपने यहाँ मंगवा लिया और जो गाय जिसको फल भक्षण किया था 3 मास बाद उसको भी एक बालक का जन्म हुआ है। भगवान वहाँ पर गांव वाले देख देख के तो बड़े आनंदित हो रहे थे और आत्मदेव की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं। आत्मदेव सोच रहा था कहाँ पर तो एक भी पुत्र नहीं था घर में और भगवान ने जब दिया तो 2-2 पुत्र, अरे गाय को भी बालक, गाय को भी मनुष्य पुत्र पैदा हुआ है, कितने आश्चर्य की बात है। वहाँ पर जो उसका बेटा था उस बेटा का इनका नाम था आत्मदेव और ये अपने बेटे का उसी के अनुरूप नाम रखना चाहते थे, लेकिन धुंधली बोली भैया हमने उन्हें घर में धारण किया है, 9-9 महीने हम पेट में रखे और नाम रखने के लिए तुम आगे आ गए, मेरा नाम धुंधली है इसका नाम हम रखेंगे धुंधुकारी। माँ ने अपने अनुरूप ही उसका नाम रख दिया धुंधुकारी। गोकर्ण जी जो गाय के उससे पैदा हुए थे वो देखने में तो बड़े सुंदर थे, सर्वांग सुंदरम श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इतना दिव्य स्वरूप था उनका, हर एक एक अंग बड़ा ही सुंदर और दिव्य स्वरूप, बड़े ही बड़े बड़े नयन, और उनका सुंदर स्वरूप को देखकर कान बस केवल गाय की तरह थे, बाकी पूरा शरीर मनुष्य जैसा, तो उनका नाम रख दिया गोकर्ण, उनका नाम गोकर्ण रख दिया। अब थोड़े थोड़े समय पर जैसे ही बच्चे बड़े होने लगे दोनों की ही ख्याति बढ़ने लगी, एक हो गया कुख्यात और एक हो गया विख्यात। गोकर्ण जी बड़े ही पंडित थे, गोकर्ण बड़े पंडित थे, बड़े मेधावी, इसलिए उनकी तो बड़ी ख्याति हुई, लेकिन धुंधुकारी अपनी माँ के जैसा, जैसा माँ ने राम रखा धुंधुकारी ना, इतना धुंधुकारी महाखल, शौनकादि ऋषि वर्णन श्री सुध गोस्वामी पाद कहते हैं कि इतना खल था वो, खल खल अर्थात ख और ल, ख मतलब सिर्फ खाना और ल मतलब लड़ना, ये दो ही उसके काम थे। घर में इतना कलह करता, घर के बर्तन ले जाके बेच के आ जाता, कुएं के पास यदि कोई बच्चे खेल रहे हो तो उनको धक्का मार के और कुएं में गिरा देता, माँ पिता सबसे लड़ाई झगड़े करता, इतना कलह प्रिय था। लेकिन गोकर्ण वहाँ पर बड़ा ही बुद्धिमान था। अभी कुछ समय बाद में क्या हुआ, अपनी माँ को सताने लगा पैसों के लिए, पिताजी को भी बड़ा दुखी कर दिया, और पिताजी तो उसके कलह से इतने दुखी हो गए कि एक दिन जंगल में जा रहे हैं आत्महत्या करने को। पुनः वहाँ पर उस समय पर गोकर्ण ने पिताजी को बुलाया, पिताजी को बुला के और बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, दो
श्लोकों के माध्यम से गोकर्ण जी ने पिताजी को उपदेश दिया, जिसको श्री गोकर्ण गीता भी कहते हैं। उन श्लोक के अंदर बड़ा, मैं आपको सारांश रूप में बता देता हूँ, श्लोक के अंदर बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि पिताजी आपकी ये धारणा है कि संसार में आप सुख ढूंढ लोगे, इस संसार में ये कोई सुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये संसार जिन्होंने बनाया है, वे स्वयं कह रहे हैं ये संसार क्या है, दुखालयम। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार जिसने रचना करी है वो स्वयं कह रहे हैं कि ये संसार दुखालय है, तो आप इसमें सुख की याचना कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पर सुखी नहीं हो सकते। न च इंद्रस्य सुखम नास्ति न च सुखिम चक्रवर्ती न, यहाँ कह रहे हैं कि कई राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख ब्रह्मा को भारी, तुलसीदास कहे विचारी बिना हरि भजन सब दुखियारी, सब जीव दुखियारी। इसलिए जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे पिताजी, तब तक सुखी नहीं हो सकते, तब तक सुखी नहीं हो सकते। इस प्रकार बड़ा सुंदर उपदेश दिया गोकर्ण जी ने, अपने पिता को समझाते हुए कहते हैं कि इस जड़ जगत में यदि कुछ बंधन का कारण है तो वो क्या है, अहम और मम, अर्थात मैं और मेरा। आप इस शरीर को मानते हो कि ये नित्य है, ये शरीर मेरा है, मैं ये शरीर हूँ, तो कहते हैं ये सबसे बड़े दुख का कारण है, ये शरीर ना ही तो आपका है, ये शरीर आप हैं ही नहीं, क्योंकि जब मृत्यु के पर्यंत शरीर तो यहीं रह जाता है और इसमें से जो आत्मा है वो निकल कर चली जाती है, और जब ये शरीर नित्य नहीं हुआ तो इस शरीर द्वारा संबंधी वो कैसे नित्य हो सकते हैं। अरे जब जन्म हुआ था तभी तो माँ मिली, तभी तो पिता मिले, तभी तो भाई हुआ, अगर जन्म नहीं होता, ये शरीर नहीं होता, तो क्या ये संबंध भी होते, ये संबंध भी नहीं होते। तो इसलिए वहाँ पर बड़ा सुंदर उपदेश देते हुए गोकर्ण ने अपने पिताजी को समझाया है कि किसी के गुण दोष को ना देखो, यदि गुण देखोगे तो उससे आसक्त हो जाओगे और यदि दोष देखोगे तो उससे हीन भावना होने लगेगी। तो इसलिए गुण दोषों का विचार ना करते हुए क्या करो, भगवान के भजन में अपने मन को नियुक्त करो। तो इस प्रकार सुंदर उपदेश प्राप्त करके श्री आत्मदेव वन की ओर गमन करे हैं और उन्होंने दशम स्कंद का पाठ करते हुए भगवत चरणों की प्राप्ति करी। इस तरफ यहाँ पर क्या हुआ, धुंधुकारी ने वहाँ पर अपनी माँ को भी मार मार के और इतना दुखी कर दिया कि उसकी माँ ने तो कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली। पांच पांच वैश्याओं को घर में लेकर आ गया और उनके हाथों अमेद्य कुमेद्य भोजन करता था। सब वैश्याएं अलग अलग डिमांड करती थी, उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए चोरी डकैती सब कुछ बुरे कार्य करने लगा। एक समय तो राजा के राज दरबार में राजकोष में उसने डाका डाला और इतना धन लेकर आ गया, सारी वैश्याएं सोचने लगी कहीं ऐसा ना हो कि अगले दिन राजा यदि इसकी खोज करते हुए आएंगे, धन तो जाएगा ही जाएगा, हमें भी पकड़ लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, रातों रात धुंधुकारी को जब वो मदांध होके बिस्तर पर सोने जा रहा था, बिस्तर पर उसके हाथ पैर बांध दिए और फंदा लगा के उसको मारने की चेष्टा करी। बड़े कष्ट से उसको मार रहे थे लेकिन जब मर नहीं रहा था, जलते हुए अंगार लेके और उसके मुंह में ठूस ठूस के और उसको वहीं पर मार दिया। घर के अंदर ही गड्ढा खोद के और गाड़ दिया और वहीं से सारा माल लेके फरार। इतनी दयनीय स्थिति से जब वो मरा तो उसके बाद में क्या सदगति होगी, वो प्रेत बन गया। जब गोकर्ण को ये बात पता चली तो उन्होंने क्या किया, गया में पिंडदान कर दिया अपने भाई के नाम से। लेकिन वो तो इतना पापी था, पुनः जब गोकर्ण जी घर में आए हैं उन्होंने देखा कहीं पर भेड़िए का रूप, कहीं हाथी का स्वरूप, उसके बाद में कहीं गिद्ध का स्वरूप, इस तरह से अनेक अनेक स्वरूप लेके और वहाँ पर डराने की चेष्टा कर रहा था। गोकर्ण ने क्या किया, हाथ में अभिमंत्रित जल लेके और जब छिटका है तभी बोलना चालू कर दिया। बोले भाई मैं आपका वही भाई हूँ, मेरा नाम धुंधुकारी है, अहम धुंधुकारी इति भ्रात, कहते हैं मैं आपका वही भाई हूँ और आप मेरी रक्षा करो। बोले मैंने तो तेरे नाम पे पिंडदान दिया था, पिंडदान देने पर भी क्या तेरा उद्धार नहीं हुआ। बोले हम इतने बड़े पापी हैं, मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि एक बार क्या, यदि 100 बार भी मेरे नाम पर पिंडदान करोगे तब भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, तो क्या किया जाए। तो उसने क्या किया, अगले दिन विद्वत गोष्ठी बुलाई और उससे भी जब कोई हल नहीं निकला, सूर्यदेव की उपासना से उन्हें ये पता चला कि श्रीमद्भागवतम मुक्तिम सप्ताहम कुर्वन्तु, कहते हैं श्रीमद्भागवत का पाठ करो, सप्ताह यज्ञ का आयोजन करो, इससे ही क्या होगा, जीव का उद्धार होगा, इससे ही धुंधुकारी की मुक्ति हो जाएगी। उस समय पर श्री गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर रूप में भागवत सप्ताह का आयोजन किया है। गोकर्ण ने, क्योंकि प्रेत योनि था, कोई शरीर तो है नहीं,
तो एक बांस में, एक सात ग्रंथि युक्त बांस के अंदर आश्रय लिया और उसी के अंदर आश्रय लेते हुए श्री भागवत कथा का श्रवण किया। श्रवण करते करते पहले दिन जब हुआ तो पहली ग्रंथि टूट गई, दूसरा दिन हुआ दूसरी ग्रंथि टूट गई, इस प्रकार सात दिन में सात ग्रंथि टूट गई और धौंधुकारी ने बड़ा सुंदर स्वरूप वहां पर धारण किया है। दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडित, कह रहे हैं वहां पर इतना सुंदर स्वरूप, उन्होंने तुलसी प्रसादी माला पहन रखी है, पीताम्बर धारण कर रखा है, मुकुट और कुंडली धारण करते हुए धौंधुकारी ने वहां पर पार्षद देह प्राप्त किया और पार्षद देह प्राप्त करके श्री राधा गोविंद स्वयं उसको लेने के लिए आए हैं। जैसे ही रथ पर विराजमान होके और धौंधुकारी जाने वाला था, उसी समय पर गोकर्ण ने यहाँ प्रश्न करने लगे विष्णुदूत से, बोले कथा तो यहाँ सब ग्रामवासियों ने सुनी, सभी लोगों ने कथा सुनी, लेकिन आप रथ एक ही क्यों लेकर आए, सभी के लिए तो रथ लाए नहीं। तो उस समय पर विष्णुदूत स्वयं कहते हैं कि श्रवण में देखो इनके फर्क है, सबने श्रवण तो किया लेकिन उसका मनन नहीं किया। यदि श्रवण श्रवण एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया तो बोलते कहते हैं उस प्रकार के श्रवण का कोई लाभ नहीं। श्रवण करके उसको हृदय में धारण करो और धारण करने के साथ साथ ही यदि उसका मनन किया तब जाकर ये कथा सुनने का पूर्ण लाभ है। तो क्योंकि श्रवण में भेद था इसी कारण धौंधुकारी के लिए तो रथ आया है और बाकी श्रोताओं के लिए कोई रथ नहीं आया। उस समय पर पुनः श्री गोकर्ण जी ने सप्ताह यज्ञ का आयोजन किया, एक सप्ताह तक वापस से भागवत कथा का आयोजन हुआ है। अभी दूसरी बार जब कथा समाप्त हुई सभी श्रोताओं के लिए रथ आया, सभी श्रोताओं के लिए रथ आया और जिस प्रकार भगवान राम स्वयं अयोध्या वासियों के साथ साथ सांकेत धाम को गमन किया, जिस प्रकार यदुनंदन श्री कृष्णचंद्र स्वयं सभी यदुवंशियों के साथ में अपने धाम को गमन किए थे, उसी प्रकार आज ये श्री गोकर्ण जी सारे श्रोताओं को लेकर के और भगवत चरणों को प्राप्त कर रहे हैं। सभी के लिए रथ आया है, भगवान स्वयं गोकर्ण जी को लेने आए हैं और गोकर्ण जी की बड़ी प्रशंसा करी, बोले तुम्हारे जैसा जो भगवत कथा का दाता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। श्री गोपियाँ भी क्या कहती है, भूरिदा जना, गोपियों ने गोपी गीत के अंदर वर्णन किया है कि यदि कोई भगवत कथा का दान कर रहा है तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, वो सबसे बड़ा दानी है। इसलिए ये भगवत वार्ता कैसी है, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, कि जिसने प्रेत योनि से भी उद्धार कर दिया। इसलिए यदि कोई पापी से पापी व्यक्ति भी क्यों ना हो लेकिन यदि भागवत कथा का श्रवण करे तो उसको भी उद्धार हो जाएगा, उसको भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार श्री सुत गोस्वामी पाद ने इस भागवत कथा के महात्म्य का श्रवण करवाया और उसके बाद में बड़ा ही नियम, कुछ नियमों का भी उल्लेख करते हैं किस प्रकार भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, सात दिनों तक एक समय भोजन करते हुए, नियमित रूप से अपना जीवन यापन करते हुए कथा का श्रवण करो। और क्या करो, कह रहे हैं अलग अलग श्रोताओं के बारे में बताया, अवर और प्रवर, इसके आगे और विस्तृत रूप में हम गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। यही बोल के अपने वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु नाम पावने कृष्ण अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए हमारे गौड़ीय परंपरा
वैष्णव वैष्णवी एवं उपस्थित हमारे महाराज के चरणों कमलों में भी अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ। गुरु जी के आदेश से कि मुझे भागवत के महात्म्य के बारे में कुछ सुनानी है। भागवत महात्म्य, भागवत कौन है? कहते हैं कि परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़ितित विनिदित पीताम्बरधारी श्री कृष्ण प्रतिमूर्ति, ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो इस भागवत महापुराण को सुनने के लिए कौन योग्य होता है? कहते कि भाग्य न बहु देन समर्जितेन समर्जितेन सत्संगम च लभ्यते पर पुरुषो परावै। कहते कि ये बहुत जन्म, अनंत कोटि जन्म के बाद जब भाग्य उदय होता है तब ये श्रीमद् भागवत पुराण सुनने के लिए रुचि हो पाती है। ऐसी कैसी नहीं हो पाती, ये भक्ति पूर्ण अनुष्ठान है। उसको प्राप्त करने के लिए स्वयं जुगल किशोर की कृपा प्राप्त होती है। जब भगवान का कृपा प्राप्त नहीं होगा ये भागवत अनुष्ठान नहीं हो पाती है। तो कोई कहता है अरे हम तो पैसा वाला है, अरब खरबपति है, जब चाहे तो भागवत करवा देंगे। नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा। फिर ये श्रीमद् भागवत श्रवण करने के लिए प्रीतिपूर्वक श्रद्धापूर्वक आकर इस सत्संग में बैठने चाहिए। ऐसे नहीं कि चलो अभी तो ऑफिस बंद है, ड्यूटी नहीं है, थोड़ा भागवत हो रहा है तो 4 घंटा टाइम पास कर लेते। जो मन में एक भाव लेकर आया टाइम पास करने के लिए तो उसके अपराध होता है। किसके पर अपराध होता है? ना भगवान के प्रति अपराध होता है, क्यों ना श्री कृष्ण प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। तो नर्क में जाने के लिए ना दो रास्ता है, क्या क्या है? एक पाप है और एक अपराध है। तो हम अगर पाप करेंगे तो पाप से मुक्त हो सकते हैं। कैसे? ना उसका उपाय है क्या? दान धर्म पुण्य करेंगे तो पाप खंडन हो जाएगा, लेकिन अपराध कभी खंडन नहीं हो सकता है। तो ये अपराध को हमें क्या करना है? ना अपराध जिसके प्रति हुआ तो इसके शरण में हमको शरण में जाना पड़ेगा, उसके चरणों में हमें सिर को झुकाना पड़ेगा, तब जाके ये अपराध खंडन हो सकता है। तो हम ठाकुर के प्रति अपराध करेंगे, क्यों? भागवत सुनने के लिए आएंगे, तो भागवत सुनने के लिए नहीं, मतलब टाइम पास करने का मतलब से आएंगे, तो ये अपराध होता है। तो ये भागवत महापुराण तो श्री कृष्ण प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण बोले। फिर इसको बोले भगवान के द्वादश अंग सदृश्य। भागवत में द्वादश स्कंद है ना, तो ये भगवान के द्वादश अंग में वर्णित कहा गया। कौन सा? पाद यदि प्रथम द्वितीय तृतीय द्वितीय कथित यदरो नाभिस्तता पंचम षष्ठ भुजांतर दुर्योगलम तथा कंठस्तु राजन नवम यदि मुखार विंदम दशम प्रफुलम एकादश ललाटपटम शिरोपितु द्वादशैव भाति। कहते हैं कि पादौ यदि प्रथम द्वितीय, जो प्रथम स्कंद एवं द्वितीय स्कंद ये भगवान के दो पाद हैं। फिर कहते हैं तृतीय द्वितीय कथित यदुरु, उदुरु मतलब गुरु मतलब दो जंघा। भगवान के दो जंघा क्या? तृतीय स्कंद एवं चतुर्थ स्कंद, वो भगवान के दो जंघा है। फिर नाभि तथा पंचम एवं नाभि पंचम स्कंद भगवान के नाभिमंडल है। फिर षष्ठ स्कंद भगवान के वक्षस्थल एवं सप्तमक स्कंद एवं अष्टम स्कंद भगवान के दो बाहु हैं। फिर नवम स्कंद भगवान के कंठ है। फिर दशम स्कंद प्रफुल्लम, तो कहते दशम स्कंद भगवान के मुखमंडल, और एकादश स्कंद भगवान के ललाट, और द्वादश स्कंद भगवान के सिर। इस श्रीमद् भागवत महापुराण को भगवान के अंग के सदृश माना गया। फिर और क्या कहते हैं ना, ये वेदरूपी कल्पवृक्ष के ये पका हुआ फल है।
कैसे न निगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंजितं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भविभावुकः। कहते हैं कि निगम कल्पतरुर्गलितं, निगम मतलब वेद, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष के ये पका हुआ फल है। तो ये वेद को कल्प वृक्ष माना गया। ये वेद चार चार साधक है, क्या क्या, एक ज्ञानी कर्मी, ज्ञानी एवं योगी और भक्त। तो ये चार साधक ये वेद को अनुसरण करके ये कर्मी क्या करता है, फल प्राप्त चाहता है तो फल उसको प्राप्त होता है। ज्ञानी क्या चाहता है, मुक्ति, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाता है। योगी क्या चाहता है, अष्टांग सिद्धियाँ, तो उनको सिद्धि प्राप्त हो जाता है। भक्त क्या चाहता है, भगवान के प्रेम, तो उसको प्रेम प्राप्त हो जाता है। ऐसे एक कल्प वृक्ष ऐसा है कि जो कुछ आप मन में सोचोगे वो तुरंत आपको प्रदान करते हैं। एक बार मेरे गुरुजी उसको कहानी, एक अच्छे से कहानी सुनाते थे, कहानी सुनाते हैं क्या, कल्प वृक्ष में बैठ के जो सोचोगे वो प्राप्त हो जाता है। ऐसे एक आदमी इस कल्प वृक्ष लेकर गुजर रहा था, तो ध्रुव बहुत तेज था, उसको क्लांत हुआ मतलब थकान हो गया था। उसने क्या किया, कल्प वृक्ष में बैठ के थोड़ा थकान दूर करने के लिए कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गया, तो उसको आराम लगा, आनंद आया। आनंद जब आया तो उसने मन में सोचा, अच्छा कितना आनंद आ रहा है इस पेड़ के नीचे बैठ के, कोई अगर अच्छा मेरे लिए खाना थोड़ा लेके आ जाता तो बढ़िया होता। इसने जैसे सोचा तो तुरंत खाना आ गया, कितना खाना मतलब 56 पौड़ी भोग आ गया, उसको पहुँच गया। तो 56 पौड़ी भोग जैसे पहुँच गया, उसको खाकर तृप्ति हुआ। तृप्ति होने के बाद फिर सोचने लगा, आहा थोड़ा पलंग फलंग होता तो थोड़ा विश्राम कर लेता, तो तुरंत पलंग भी आ गया उसके पास, तो पलंग में विश्राम किया। तो विश्राम करते समय उसने सोचा, मैं सोया होगा, कोई बाघ आके तो खा लेगा नहीं, बाघ मतलब शेर, शेर आके तो खा लेगा नहीं। तो एक शेर तुरंत उसने आ गया सामने से, तो शेर को देख के समझा, अरे ये तो शेर तो आ रहा है मेरे को, मेरे तरफ आ रहा है, ये मेरे को तो खा लेगा नहीं, वो तुरंत सड़क लगा उसको खा लिया। ऐसे कल्प वृक्षों का यही फल है, जो सोचता है तुरंत वो प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही ये श्रीमद् भागवत महापुराण, तुरंत जो सोचोगे वो प्राप्त हो जाएगा। फिर कहते हैं पिबतम भागवतम रसमालयम, ये श्रीमद् भागवत एक रस का आलयम है। रस का मतलब कौन सा रस, ये अंगूर रस, चीकू रस, पाइन एप्पल, ये रस नहीं, ये जो पांच रस है, जो पांच रस को अनुसंधान करके हमें भगवान को प्राप्त करते हैं, वो पांच रस क्या क्या है ना, शांत रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस एवं माधुर्य रस एवं दास्य रस, ये पांच रस इसमें स्थित है। तो इसी रस को, रसी को जनो मोहरो असिक विभाबुका, मतलब मोह मोह मतलब रहो रहो उसको पान करते रहो। कौन पान करता है, जो रसिक जनो, तो साधक भी उसको पान करते रहो, आप लोग भी पान करते रहो, पान करने से हमारा कल्याण हो जाएगा। कहते फिर ये श्रीमद् भागवत महापुराण, आप बोलोगे अरे ये तो भगवान के स्वरूप, भगवान स्वयं भगवान है, तो ये ग्रंथ अवतार में क्यों रहा है इस जगत में आए। तो कहते कृष्ण सधाम भगते धर्म ज्ञान कलो नष्ट दुषामेशनादित। कहते कृष्ण सधाम भगते, कृष्ण जब भगवान कृष्ण द्वापर युग के अंत में जब स्वधाम को गमन कर लिए, मतलब अपने गोलोक धाम में चले गए, तो धर्म और ज्ञान इनके साथ चले गए। तो धर्म ज्ञान जब चले गए तो ये पृथ्वी लोक में क्या हुआ, अंधकार छा गया। कौन सा अंधकार, माने अज्ञान रूपी अंधकार। तो इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए भगवान इस धराधाम में कृपा किए, क्या ग्रंथ रूप में पुराणार्क अधुनादित, अधुनादित मतलब अद्वैत, अद्वैत मतलब सूर्य, सूर्य रूपी प्रकाशित ये श्रीमद् भागवत महापुराण को ये पृथ्वी लोक में वितरण किए हमारे इस मानव कल्याण के लिए। फिर इस मत भागवत महापुराण को जानने के लिए योग्य कौन थे, तो कहते हैं अहम वेद में सुख वेति व्यास वेति नो वेति वा
भक्त्या भागवत ग्राह्यम न च बुधया न च टीकया। कहते कि अहम वेत्मि सुख वेत्मि, ये कौन कहता है? स्वयं महादेव कहते हैं। किसको? पार्वती जी को। पार्वती माता को कहते हैं कि ये भागवत के तत्व, भगवत के महिमा को मैं जानता हूँ और सुखदेव जानते हैं। ये व्यासदेव जानते हैं या नहीं जानता, इसमें संदेह है। तो हम बोलेंगे अरे श्रीमद्भागवत को तो व्यासदेव जी रचना किए हैं, तो इन्होंने भागवत के तत्पर जो नहीं जानते, ऐसे कैसे होगा? ना नहीं, क्योंकि व्यासदेव स्वयं कृष्ण के अवश्य अवतार है, मतलब कृष्ण स्वयं भगवान बनकर आए हैं। क्यों ना हमारे कलयुग में बहुत बुद्धि कम होगा, श्रवण शक्ति कम हो जाएगा, आलस्य हो जाएंगे। तो भगवान ने बोले कि ये कलयुग में, सत्ययुग में जो एक बार जो सुनता था वो लाख बरस तक याद रहता था हर बात, लेकिन ये कलयुग में लाख बार सुनने से भी वो एक बार याद नहीं कर पाते हैं। क्यों? ना बुद्धि कम। इसके लिए भगवान हमारे ऊपर कृपा करके ये स्वयं आवेश अवतार होकर आए, हमको 18 खंड जो वेदों को समझना भी मुश्किल है। हाँ, इसके लिए वेदों को समझने के लिए 18 खंड पुराण उन्होंने रचना किया। तो हमारे कलयुग के मनुष्यों के कल्याण के लिए, इसके लिए कहते कि ये स्वयं तो भगवान है, तो उसको कहते भक्तिया भागवतम गायम। जो भक्त है इस भागवत को समझ पाता है, तो ये भगवान तो स्वयं है, इन्होंने तो भक्त नहीं है। इसके लिए देखो हमारे गौर महाप्रभु राधा जी के प्रेम को, श्रीमती राधा जी के प्रेम को इन्होंने समझ नहीं पाए, स्वयं भगवान समझ नहीं पाए। इसके लिए इनको गौर महाप्रभु बनकर आना पड़ा इनके प्रेम को समझने के लिए। ऐसे ही जो भक्त है वो श्रीमद् भागवत को समझ पाएगा, इसका सिवा कोई समझ नहीं पाएगा। फिर श्रीमद् भागवत महापुराण किसके मुख से सुनना चाहिए? कहते हैं अवैष्णव उपदेष्टेन अवैष्णव मुखदम किन्न पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोचिष्ट जथापय। कहते कि अवैष्णव मुखदम किन्न, जो अवैष्णव है, अवैष्णव मतलब जिनके भागवत करने का इच्छा है कि भागवत करे, मेरा मान बढ़े, मेरा सम्मान बढ़े, मेरा कथा को अच्छा बोले, हाँ लोग मुझे अच्छा बोलते कि नहीं, मुझे प्रणाम ही दे, यही मतलब से जो भागवत करता है उसको कहते हैं अवैष्णव। लेकिन वैष्णव कौन है? ना जो कल्याण के लिए, दूसरे के कल्याण चाहता है, उसको कहते हैं वैष्णव। तो इनके मुख से भागवत श्रवण करने से हमारा कल्याण होगा। जैसे दूध एक तुष्ट पुष्ट खाद्य है, तुष्ट पुष्ट खाद्य होने के बाद भी अगर इसमें सर्प अगर मुंह लगा देता है तो ये क्या होता है? जहर बन जाता है। ऐसे ही हमें अगर प्रतिष्ठा कामियों के मुख से अगर भागवत को श्रवण करेंगे तो हमारा मन में क्या होगा ना, इसका जो मन में है वो मन में जाके अपना मन में बैठ जाएगा, तो इसके तरह हमारा भी मन असंतुष्ट हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। इसके लिए हमें वैष्णव के मुख से इस भागवत को श्रवण करना चाहिए। तो हमें 7 दिन तक भागवत श्रवण करने के लिए भगवान के कृपा, गुरु जी से कृपा मिला है, तो हम 7 दिन तक संकल्प करें, प्रभु जी बोल रहे थे ना, तो ऐसे तो हम नहीं कर पाएंगे, एक टाइम खाए पर ऐसे तो नहीं होगा कलयुग में, लेकिन 3 टाइम खाओ, लेकिन भागवत में जो 7 दिन होता है भागवत में आओ, संध्या टाइम के भागवत समय निकाल के 3 घंटा आप श्री भागवत में समय दो। भागवत श्रवण करने से आपका कल्याण हो जाएगा। भगवान स्वयं कहते हैं यद्रि छया मत कथा दो जब श्रद्धास्तु व्यपमान हो, जो मनुष्य मेरी कथा में श्रद्धा आ गया उसका कल्याण जरूरी हो गया। तो इसलिए भगवान के कथा को श्रद्धापूर्वक आकर सुनना चाहिए। तो हमें कथा पूर्वक अच्छी तरह से 7 दिन तक श्रवण करेंगे, इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अच्छा कर बात हमने छोटे बात से दिया बोले श्रीमद् भागवत कथा देवता की प्रसिद्ध सुखदेव गोस्वामी की प्रसिद्ध पंडित महाराज की जय। निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि।
Yeah.
हरे कृष्ण हरे कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै स्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वांछाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रुतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहि भागवतम स्वरूप जं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातर आज भाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदुं स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमाणतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्दं श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द सर्वगर हाथ उठाकर बोलो बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे बार जोर करके बोलो बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत्य श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत्य श्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज नितलीला प्रविष्ट शिल भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्री राधा रमण बाबा जी महाराज अन्य अन्य वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हम लोग अभी अभी श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत कथा की महिमा को। जब श्री गोकर्ण ने ये भागवत कथा सुनाई लेकिन वहाँ केवल एक ही रथ आया और किसके लिए रथ आया था? धुंधुकारी के लिए रथ आया और उसने बैठ करके भगवत लोक को प्राप्त किया। तब श्री गोकर्ण प्रश्न कर रहे हैं भैया यहाँ पर तो बहुत सारे भक्तों लोग बैठे हैं आप एक ही रथ क्यों लाए? सभी के लिए तो रथ लाना चाहिए ना। तो उन्होंने कहता है देखो सभी लोग तो श्रवण किया है लेकिन उसको कोई मनन नहीं किया। मनन मतलब होता है जैसे हमने कथा सुनी ऐसे नहीं जब तक तो कथा सुने तब तक तो सुने जब कथा से जाए यहीं पर पल्लू झाड़ करके चले जाए। बोले भैया कथा तो यहीं पर रहे हम तो यहाँ से हैं हम यहाँ से खाली हाथ से जा रहे हैं। इसलिए बोले जो श्रोता है कहते ये तीन तरह के श्रोता है कहते एक श्रोता एक श्रोता और एक सरोता। कहते श्रोता मतलब जो कथा में आ करके ऐसे जगह पर बैठे जहाँ पर बढ़िया से सो सकते हैं और देख देख कर बैठेंगे यहाँ पर बैठने बड़ी बढ़िया नींद आएगी। ऐसे एक समय क्या हुआ
एक व्यक्ति कथा सुनने के लिए रोज आएगा और कहाँ बैठेगा, वक्ता को ठीक सामने, इधर उधर नहीं, और उसको लेकर उसको पोता लेकर के आता है और छोड़ करके चला जाएगा और वो पोता खेलते रहेगा और कथा के बाद में पोता आकर ले जाता है। लेकिन जब व्यास जी ओम अज्ञानति विराम बस सो गया, लेकिन जब एक घंटा के बाद में कथा हो, जब उन्होंने बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जग जाते हैं, बोले क्या कथा, बड़ी सोनी बड़ी प्यारी कथा थी। अभी जो कथा बोलते हैं ना, वो श्रोता को भाव को देख करके हृदय से भावना आती है। अगर श्रोता अगर सो जाए फिर वक्ता तो फिर वक्ता रहेगा, वो वक्ता फिर बोल नहीं सकता है। अभी ये रोज परेशानी फिर इधर उधर बैठे तो कोई बात, लेकिन पूरा सामने बैठेगा। एक दिन उसने बुलाया, बोले ये बात, उसने पोता को बुलाया, बोले भैया क्या बात है, इनको रोज क्यों लेकर का है, तो तू कहाँ जाते हो, बोले मेरे दादाजी मेरे को रोज रोज 2 रुपया देते हैं और मैं खेलने चले जाता हूँ, कथा के बाद में ले जाता हूँ। बोले देख कल से मैं तेरे को 4 रुपया दूंगा, लेकिन तू अपना बाबा को पास में बैठना और उसको सोने नहीं देना, जब नींद आए ना उसको हाथ से धक्का मारते रहना। उसने पूरी 1 घंटा उनको तो सोने नहीं दिया, जब सोए झपकी मारे मारे उसको धक्का मारे, वो तो परेशानी, बोले क्या बात, तू तो रोज खेलने चले जाता था आज गया नहीं क्यों, बोले मेरे को वक्ता ने बोला तुमको 4 रुपया, अब तो मेरे को 2 रुपया देते हो, वो मेरे को 4 रुपया देगा, बोले तेरे को मैं 8 रुपया दूंगा लेकिन कल से मेरे पास में बैठना नहीं। इसलिए कभी एक होता है सोता और एक बस एक सेट था, रोज कथा में आकर के बाद सो जाएगा। जब उनने कथा में आकर सो गया, जब सो गया वो स्वप्न देख रहा है क्या, वो था कपड़ा का दुकान, कोई कपड़ा लेने के लिए आए, उससे बातचीत कर रहा है, बोले मीटर किया है, बोले मीटर है ये 60 रुपया मीटर है, लेकिन देखो इसका तो मीटर तो 80 रुपया लेकिन तेरे तो है केवल 60 रुपया। बोले भैया ये 60 रुपया का कीमत नहीं, ये तो 40 रुपया। बोले 40 नहीं, इसका कीमत तो 80 रुपया लेकिन तेरे लिए 60। बोले ठीक है कोई बात नहीं, तेरे बात रहे और मेरे बात रहे 50 रुपया से बात समाप्त करते। तो बोलते ही कैंची लगाई और अपना जो दोपटा था ना, वो सो रहा था, वो सपना देख रहा था मैं कपड़ा बेच रहा हूँ और सबके सामने कपड़े को फाड़ दिया। बोले भैया कपड़े को फाड़ दिया सेठ जी। इसलिए पहला नंबर कहते ये सोता, जो कथा में आकर सो जाए। दूसरा नाम है सरोता। सरोता मतलब है जिनको कथा से कोई मतलब नहीं, जिसमें केवल दोष ढूंढने के लिए आए। बोले किले का पेड़ ही नहीं लगाया भागवत कथा हो रही, यहाँ पर तोता का तोता तो है ही नहीं, भैया कहीं नवग्रह तो कोई बनाया नहीं है, उसमें कथा से कोई मतलब नहीं, जो केवल दोष ढूंढने के लिए आए, कहते वो सरोता। तीसरा नंबर है कहते श्रोता। श्रोता जो सचमुच से भागवत का जो सार को अपना जीवन में जो सार को उतारे। इसलिए बोले श्रोता 2 तरह के, कहते एक श्रेष्ठ श्रोता, एक प्रबर और एक अबर, और एक कनिष्ठ साधारण श्रोता। जो श्रेष्ठ श्रोता कहते वो 4 ही तरह के, कितने तरह के, कल सबको पूछूंगा देखूंगा कौन मेरे को बोल पाएगा। पहला नंबर है हंस। जैसे हंसों को दूध दो आप देखना, वो दूध दूध तो को पी लेगा और पानी पानी को छोड़ देता है। इसलिए वे अच्छे श्रोता हैं जो जीवन में सार को ग्रहण करे और असार को त्याग दे। दूसरा नंबर मछली। ये मछली को देखिएगा, वो कभी आंख पलक कभी झपती नहीं, वो एकदम खुली हुई नेत्र रहती है। कथा कैसे सुननी चाहिए, एक मन से टकटक लगा करके कथा की एक बात हमारी चूक नहीं जाए। तीसरा नंबर है मधुमक्खी। एक मक्खी और एक मधुमक्खी। कहते मक्खी कहाँ बैठता है, गंदा चीज गंदी चीज में बैठेगा, लेकिन मधुमक्खी कहाँ बैठता है, देखना भले ही कांटा के वृक्ष में फूल भी नहीं हो, वो मधुमक्खी वहाँ भी बैठ करके वो शहद को आहार कर लेता है। इसलिए हमें 3 कहती है तोता है। तोता में एक विशेष गुण है, वो किसी कच्चा फल में मुंह नहीं मारेगा, वो मारेगा तो पक्का हुआ फल में ही ये मुंह मारेगा। मतलब है जहाँ तहाँ हमें मुंह नहीं मारनी चाहिए, जहाँ पर भगवान की कथा हो, ठाकुर जी की कथा हो,
वहीं पर ही हमें बैठ करके भगवत कथा रस को आस्वादन करनी चाहिए। इसलिए चार तरह का हो गया कि नहीं, हो गया। कहते चार तरह का, कहते कनिष्ठ श्रोता जो साधारण श्रोता, पहला नंबर है भुरुंडू। कहते ये पक्षी रहता है हिमालय पर्वत गोबर में, आप इसको जैसे बोलो आपको ठीक वैसे सुना देगा, लेकिन वो करते समय वो पूरा के पूरा उल्टा करेगा, एक अक्षर भी अपना जीवन में उतारेगा नहीं। बोले एक समय किया हुआ, एक पंडित रोज कथा करने के लिए जाए, पंडित यानी बोलती थी मैंने सुना आप तो बड़ी प्यारी प्यारी कथा करते हो, एक बार मेरे को भी साथ में ले चलो। बोले तू पंडित यानी तेरे को कथा सुनने का क्या जरूरत है, जरूरत नहीं तू घर में रहा करो। एक दिन एकादशी तिथि आई, बोले कम से कम आज तो ले चलो, एकादशी का तिथि में तो कम से कम कथा। जब इतने पीछे पड़ गई उसने तो बोले चलो ठीक है गए। जब गए उनने खूब एकादशी की कथा सुनाई, बोले एकादशी जैसे व्रत दुनिया में कुछ भी नहीं है, भगवान के सबसे प्यारे व्रत श्री एकादशी व्रत है, ये कल्पतरु व्रत, ये व्रत को करके जो जो कुछ मांगे भगवान उसको सारी इच्छा को पूरी कर देते हैं। इसलिए एकादशी का दिन अन्न भोजन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अन्न में सबसे जो बड़ा पाप पांच है, गोहत्या, नरहत्या, भ्रूण हत्या, पिता माता हत्या, ब्राह्मण हत्या, ये सारे पाप एकादशी का दिन अन्न में निवास करता है। इसलिए अन्न कभी भी भोजन नहीं करनी चाहिए। उनने खूब एकादशी की महिमा सुनाई, पंडित यानी बोली एकादशी का इतना महिमा हमको तो पता नहीं था, आज तो एकादशी में आए बहुत अच्छा हुआ। तब तो उन्होंने घर में आए और उन्हें फलाहार बनाया, पंडित जी कथा से आए बोले प्रसाद ले आओ, जब लाए देखा फलिहार है, बोले तुमने पूरी नहीं बनाया, तुमने सूजी की हलवा नहीं बनाई, तुमने हैं परठा नहीं बनाया। बोले क्यों, आप ही तो कथा में कह रहे थे, क्या कह रहे थे कथा में, एकादशी का दिन अन्न में गोहत्या, नरहत्या, ब्रह्महत्या, ये सारे पाप एकादशी में रहते, आप ही तो बता रहे थे एकादशी का दिन अन्न कभी भोजन नहीं करनी चाहिए, तो आप ही तो बता रहे थे। बोले पंडित यानी इसलिए तो तेरे को साथ में नहीं ले जाता, मैं कथा करके ना जब तक कथा करता हूँ जब कथा से उतरता हूँ व्यास गति से, वहीं पर पल्लू झाड़ करके वहीं पर कथा कर करके आ जाता हूँ, और तो आज गई इतने सारी बातें तुमने ले आई। हाँ, इसलिए कहती जो भुरुंड है वो सुन भी लेगा, सुना भी देगा, लेकिन अपना जीवन में एक अर्थ भी नहीं उतारेगा। वो जो करते समय पूरा के पूरा जो उल्टा करे, कहते इनको क्या कहते हैं, इनको भुरुंड कहते हैं। दूसरा नंबर है भेड़िया, ये छोटा जाति का बाघ होता है, उसको पता है मैं हिरण को पकड़ नहीं सकता, लेकिन ये हिरणों के ऊपर आक्रमण कब करेगा, हिरण अगर कोई सुलीली शब्द सुने उसको कान खड़ा हो जाता है, बड़े ध्यान से उसको सुनता है, ठीक उसी समय में ही वो आक्रमण करेगा। मतलब क्या, कहते ऐसे कुछ श्रोता लोग होते हैं, कथा तो स्वयं सुनते नहीं, लेकिन जो पास में बैठ करके अगर कोई कथा सुने ना, उसको भी कथा सुनने नहीं दे, बिना कारण के कारण तेरे घर में क्या बना था तुमने सुनी हो, उसको बहू को उसने भगा करके ले गया, वो छोरी के साथ वो छोरा भाग गया, तुमने बिना कारण के कारण जो बैठ करके सारा दुनिया की प्रपंच की जो चर्चा करे, ये कौन है, कहते ये भेड़िया। दूसरा तीसरा नंबर है बैल, अब बैल को भूसा दो नहीं तो कोई प्यारी मीठी मीठी फल दो, वो दोनों में कुछ भी फर्क नहीं समझता। मतलब है भगवान की कथा हो नहीं तो दुनियादारी की कथा हो, सब कथा को जो बराबर मानने वाले हैं, कहते ये कौन है, कहते बैल है। जो चौथा नंबर है, कहते ऊंट, ऊंट तो देखे होंगे, अब ऊंट को कोई कोमल कोमल सुंदर सुंदर कोई पत्ता तो वो नहीं खाएगा, वो ढूंढेगा ये बबलू का पेड़ कहाँ पर है और ये कांटा के वृक्ष कहाँ पर है। जब वो कांटा के वृक्ष खाता है उसको जीवा में चुभती है और उसको मुंह से ही खून निकलेगा, वो अपना खून को पी पी करके बोले वाह क्या स्वाद है। इसका मतलब जो भगवान की सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी कथाओं को नहीं सुन करके जहाँ पर केवल कांटा कांटा ही, मतलब क्या,
ये दुनियादारी की बात करो, दुनियादारी की बात करो जिसमें कह लो कांटा ही कांटा है, किसको पूछ लो कैसे है, बोले ठीक ठाक है, लेकिन अंदर की बात पूछो किसको, कोई ठीक सकता है? कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई बेटे से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई पैसा से, पड़ोसी, सब दुखी दुखी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं क्या करनी चाहिए, बोले ऊंट नहीं बन करके हमें क्या बननी चाहिए, मधुमक्खी बननी चाहिए हमें, हंस बन करके केवल भगवान की कथा रूपी रस को हमें आस्वादन करनी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की। इसलिए जो कथा है कहते हैं चार तरह का कथा है, सात्विक, राजसी, तामसी और निर्गुण। बोले सात्विक की कथा किसको कहते हैं, जैसे मान एक महीना दो महीना कथा तो सुने लेकिन उसको बाद में फिर कथा से कोई मतलब नहीं। बोले राजस की कथा किसको कहते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा कर कथा की आयोजन किया, सबको बुलाया, बोले उसने 10 लाख रुपया खर्चा किया हमने देखा, और उन्हें नंदो उत्सव में ऐसे दिया, रुक्मिणी की शादी हुई तो उन्होंने इतना दिया, मैं 20 लाख खर्चा करूँगा, दुनिया को दिखाऊंगा देखो मैंने 20 लाख खर्चा किया। लेकिन कथा से कोई मतलब नहीं, कथा में नहीं बैठेगा, कथा नहीं सुनेगा है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कथा करेगा, कहते इसको राजस की कथा कहते हैं। तामस की कथा किसको कहते हैं, जैसे 7 दिन तक कथा हुई लेकिन कभी कथा में बैठे नहीं तो कभी कथा में बैठे नहीं, मन नहीं लगा, एक चक्कर लगा करके आ गया, फिर जब कथा समाप्त तो होने जाए तभी कथा सुनने के लिए आए, नहीं कथा सुननी चाहिए कथा से पहले जाओ। हनुमान जैसे कथा सुन, कैसे सुना, हनुमान जैसे, हनुमान जी क्या करते हैं, कथा से सबसे पहले श्री हनुमंत लाल आएंगे और पीछे हाथ जोड़ करके बैठेंगे और गदगद होते हुए अपनी आंखों से आंसुओं को बहाते हुए हनुमान जी कथा को सुनते हैं। इसलिए लेकिन कहते हैं निर्गुण कथा किसको कहते हैं, बोले निर्गुण कथा सही कथा है, बोले सदा से व्याम, सदा से व्याम श्रीमती भागवती वार्ता जस्या श्रवण मात्रेण परिश्चितम समाश्रय। मतलब जिसने अपना जीवन को ही भागवत बना दिया, अपना जीवन को मतलब रोज सवेरे उठे ऐसे नहीं रात को 1 बजे 2 बजे तो टीवी देख करके सोए और उठे 8 9 बजे 10 बजे उठे, नहीं ऐसे नहीं करनी चाहिए, समय से सो जानी चाहिए और समय से उठनी चाहिए। इसलिए बोले 4 तरह का स्नान है, कितने तरह का स्नान है, क्या क्या है, कहते एक ऋषि स्नान, एक देव स्नान, एक नर स्नान और एक राक्षस स्नान है, हैं? इसलिए कहते ऋषि स्नान किसको कहते हैं, बोले ब्रह्म मुहूर्त में जो नहा ले हैं, कहते उसको ऋषि लोग सवेरे जल्दी जल्दी उठ करके ठाकुर जी का आरती करना है, इसलिए जल्दी जल्दी उठ करके स्नान करके हैं क्या करते हैं, जो जो ब्रह्म मुहूर्त पहले बस सूर्य उदय होने से 1 घंटा 36 मिनट पहले जो स्नान करे ना उसका आधा बीमारी तो उसी समय खत्म हो जाती है, उस समय खत्म हो जाती है, और हृदय में देखना अपने आप भक्ति की भाव जगेगा। फिर उसको बाद में कहते देव स्नान, देवलोग कब स्नान करते हैं, सूर्य उदय होने से नहा लेते हैं ये देवता लोग। कहते नर स्नान किसको कहते हैं, बोले कम से कम जब सूर्य उदय हो रहा है उसी समय कम कम स्नान कर लो। और राक्षस स्नान किसको कहते हैं, बोले सूर्य उदय को बाद में जो स्नान करते हैं। अभी आप लोग देख लो कब स्नान करते हो और आप लोग कितना स्नान और क्या स्नान करते हो आप लोग देख लो। इसलिए नियम क्या है, कहते सूर्य उदय होने से पहले जो स्नान करेगा ना फिर तो उसको घर में लक्ष्मी नहीं आती। इसलिए पहले पहले माताएं क्या करती, सवेरे सवेरे उठ करके नहा धो करके ठाकुर को आरती उतारना, घर को धो धाम करना। अगर घर में चाहते हो घर में लक्ष्मी रहे, घर में टिकी रहे ना, हैं क्या करो, कम से कम नर स्नान तो कर लो, सूर्य उदय समय में ही स्नान कर लेनी चाहिए। और उसको पहले जो स्नान करेगा लक्ष्मी तो आएगा उसको घर में, हैं लक्ष्मी तो आएगी। इसलिए कहते जिसको कहते असली भागवत क्या है, जिसने अपना जीवन को ही भागवत बना ले,
मतलब समय पर उठे, स्नान करके अपना तिलक लगाए। सबसे पहले क्या करो, तिलक। ये वैष्णव धर्म है, तिलक के बगैर हम कुछ भी सेवा नहीं कर सकते। इसलिए पुराण में बताया जो तिलक के बगैर जो सेवा पूजा करते हैं उसको जो फल मिलेगा। और तिलक का, तिलक को साथ में तिलक लगाने का बाद कहते अगर सेवा पूजा करोगे ना तुमको 1000 गुण ज्यादा फल मिलेगा। कितना फल मिलेगा, जोर से बोलो, 1000 गुण ज्यादा तुम्हें फल मिलेगा जब तिलक करते हुए तुमने जब भगवान की सेवा पूजा करोगे। इसलिए वैष्णव धर्म सर्वश्रेष्ठ वैष्णव धर्म है, स्नान करके तिलक सबसे पहले लगाओ। ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये महेश है। यहाँ तिलक रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास हो गया। ये ठाकुर का दो चरण है, इसका नीचे ठाकुर को चरण में जैसे तुलसी दल दिया है। कि जो तिलक आप लगाओगे, जो एक बार तुम्हें दर्शन कर लिया ना उसको ठाकुर दर्शन करने का फल मिल गया। जो केवल तुम्हें दर्शन करेगा, नहीं तो कृष्ण फिर क्यों तिलक लगाते, राम क्यों तिलक लगाए, नारायण क्यों तिलक लगाते हैं, हनुमान गणेश जितने 33 करोड़ देवता देखोगे ना वो भी कोई तिलक के बगैर कोई नहीं रहते हैं। इसलिए जरूर तिलक लगाओ, ठाकुर का आरती करो और क्या करो, जरूर कुछ ना कुछ सदग्रंथ को पढ़ो। गीता हो, रामायण हो, भागवत हो, कोई सदग्रंथ को जो नित्य नियम रूप में पाठ करते हैं। इसलिए बोले सदा से व्याम, सदा से व्याम। जिसने अपना जीवन को ही भागवतमय बना दे, रोज नियम करके सदग्रंथों को पढ़ो। नहीं तो गुरु जी की कोई कथा हो, हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज का रोज रोज दो दो लेक्चर आती है कथा। यूट्यूब में देखो रोज रोज दो दो लेक्चर गुरु जी की आती है। इसलिए कम से कम थोड़ी सी कथा सुनोगे ना, जैसे तुलसी पौधा लगाए, अगर इसमें पानी देंगे तभी तो हरा भरा रहेगा, अगर पानी नहीं देंगे तो क्या होगा, सूख जाएगी, ये सूख जाएगी। अगर हम रोज रोज कुछ ना कुछ कथा सुने, इधर उधर की गाना पाना नहीं सुन करके, सुनना तो अपना घर में बस भगवान की कथा लगा दो, ठाकुर जी गुरु जी की कथा लगाओ, घर का काम भी होगा और भगवान की कथा भी सुनाई होगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं ये सही कथा, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कहते भजन करने के लिए कहते हमें 5 चीज को ध्यान देनी चाहिए। कितना चीज को क्या क्या है, पहले पहला नंबर है लय। लय मतलब होता है जैसे कथा सुनते समय सो जाना। अब देखना इधर उधर की कोई बात हो ना क्या होगा, हमें तो नींद आती ही नहीं है, लेकिन अगर भगवत चर्चा हो ना उसमें नींद आ जाती है, उसमें नींद आ जाती है। इसलिए क्या करें, पहला जो ध्यान देनी चाहिए लय। अब देखना बेस तो नींद नहीं आएगा, लेकिन जब गुरु मंत्र जब करने के लिए जब नींद आएगा, जब हरिनाम करने के लिए जाए नींद आएगा। इसलिए कहते हैं साधक को 5 चीज में सावधानी रहनी चाहिए। पहला नंबर है लय, मतलब कथा के समय में वा कथा सुनते समय हरिनाम करते समय सोनी नहीं चाहिए, लय। उसको बाद में होता है विक्षेप। विक्षेप का मतलब होता है जैसे आप देखो जब भजन करने के लिए बैठो ना, माला लेकर के भजन करने के लिए बैठो, वैसे समय में मन चंचल नहीं होता है, लेकिन जब माला लेकर के बैठते हो भजन करने के लिए, आप देखना बिना कारण के मन उचाट से हो जाता है। ये माला खत्म नहीं हो रही, रोटी ठंडा होती जा रही है, लेकिन माला ये खत्म होती नहीं जा रही है माला। इसको कहते हैं विक्षेप, मतलब भजन करते समय मन में जो चंचलता है, इधर उधर जो मन जो इधर उधर जो भटकता मन है, इसको कहते हैं विक्षेप। इसलिए भजन करते समय एक थोड़ी समय, कभी कभी आप देखना बहुत दिन तक भजन करने पर भी आप देखना कभी कभी जीवन में परिवर्तन नहीं आते, जीवन में परिवर्तन नहीं आती है। बड़े दिन तक भजन करते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं, बोले क्यों परिवर्तन नहीं, नाम में क्या कमी, ना कमी अपना अंदर, किसको अंदर में कमी,
अपना अंदर में कभी नाम में कमी नहीं है। अगर नाम में कमी होता तो हनुमान जी को प्रभु का नाम जप करके तो प्रभु राम तो मिले, तुलसीदास को तो प्रभु का नाम जप करके मिले, मीराबाई को कृष्ण जप करके तो मिले, हमारे गुरु जी के गुरु जी तो नाम जप करके तो मिले है ना। इसलिए कमी किसको अंदर में, कमी अपना अंदर में, कमी हरि नाम में कमी नहीं। इसलिए हरि नाम करते समय कोशिश करनी चाहिए कुछ ऐसा समय निकालो एकदम एक जगह पर बैठ करके हैं, एक जगह पर बैठ करके रो रो करके अपना आंखों से आंसू बहाते हुए एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कहते दूसरा, बोले तीसरा क्या है, कहते हैं अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब होता है भजन करते समय कोशिश करनी चाहिए मन इधर उधर नहीं भटके, कुछ समय एक मन से हरिनाम करने के लिए। जैसे श्री भरत महाराज भजन करते समय उन्होंने हिरण को चिंतन किया, जब उन्होंने हिरण को चिंतन किया क्या हुआ, दूसरे जीवन में उन्होंने हिरण बन कर गया है, हिरण बन कर गया है। इसलिए भजन करते समय कहते हमारा जो अभिनिवेश है और कहीं नहीं होनी चाहिए, अभिनिवेश केवल प्रभु की नाम में ही हमारी अभिनिवेश है। और चौथा कहते हैं, कहते रसास्वाद। कहते रसास्वाद का मतलब होता है जैसे हम इधर माला जप कर रहे हैं, हैं? माला जप करते समय माला इधर मुंह भी चल रहा है, इधर हाथ भी चल रहा है, लेकिन दूसरे चीज में मन में दूसरे चीज चल रहा है। अरे वहाँ पर गोल गोभी बहुत बढ़िया मिलता है, वहाँ पर तो समोसा बहुत बढ़िया मिलता है, अरे वहाँ पर सिनेमा देखा था। इसलिए इधर हाथ चल रहा है, मुंह भी चल रहा है, लेकिन जो मन है, लेकिन ये मन और किसी चीज को आस्वादन करते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री गोकर्ण ने कहा, देखो कथा तो सुनी यहाँ पर है, लेकिन ये धुंधुकारी ने जैसे मन को आविष्ट करके कथा सुनी है, यहाँ पर कोई भी ये कथा को ऐसे आविष्ट चित्त से नहीं सुने। नहीं सुनने का नाते रथ केवल एक ही आया और रथ सभी के लिए नहीं आया। इसलिए एक मन से जब फिर सबके सब एक मन से कथा सुने, सभी के लिए रथ आया और सबके सब भगवत लोगों को सबके सब गमन किए। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की, जय जय श्री हरि। हाँ एक मिनट हरि नाम कीर्तन कर लेते हैं। बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण।
जतो नयादिधरतस्स स्वार्थे स्वभिन्न स्वरा तेने ब्रह्म हृदा जो आदि कवये मोहन्ति जत सूरयो तेजो बरिं मृगं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्ग मृषा ध्याम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। जब श्री सुखदेव गोस्वामी कभी ये भागवत कथा को प्रारंभ करते हैं, एक नियम है, कोई भी काम करो मंगलाचरण करनी चाहिए। बोले मंगलाचरण मतलब क्या होता है? कभी गुरु वैष्णव भगवान तिनेरे स्मरण, तिनेरे स्मरण है विघ्न विनाशक। अगर गुरु जी को, संतों को, ठाकुर जी को कोई भी काम करने से पहले स्मरण करते हुए करो, कहते वो काम में कोई बाधा विपत्ति नहीं आएगी, वो काम तुम्हारी सुष्ट रूप में तुम्हारी काम हो जाएगी। इसलिए इसको कहते मंगलाचरण। इसलिए कहते ना मंगल भवन अमंगल है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जब उन्होंने प्रारंभ करते हैं, वो मंगलाचरण करते हैं तीन श्लोकों को द्वारा। भागवत का जो पहला श्लोक है, कहते उनको जो इष्ट देव है वो अपना इष्ट देव को प्रणाम करते हैं। कहते मेरे इष्ट देव कौन है? कहते सत्यम परम धीमहि, वो परम सत्य श्री भगवान कृष्ण चंद्र को हम ध्यान करते हैं। किसने कहा? क्या केवल कृष्ण को प्रणाम करते ना, और किसको? वे नहीं, केवल कृष्ण नहीं, कहते जो भगवान की जो पराशक्ति श्रीमती राधा जी को साथ में हम कृष्ण को स्मरण करते हैं, शिक्षा देते हैं। अकेला कृष्ण को प्रणाम नहीं करनी चाहिए, श्री राधा रानी को साथ में कृष्ण को प्रणाम करनी चाहिए। इसलिए कहते वो सत्यम परम धीमहि, वो जो परम सत्य को तुम ध्यान करते हो। बोले भैया वो कौन है? बोले जन्मादस्य जतः, बोले जिनकी कृपा से ही ब्रह्मा जी जिनके आदेश पर जगत का सृष्टि करते हैं, शंकर जी जिनके आदेश पर संहार करते हैं, और भगवान विष्णु जिनके आदेश पर जगत को पालन करते हैं, ऐसे जो जुगल किशोर इनके हम ध्यान करते हैं। बल ये संसार का तो जिनकी माया ऐसे हैं, जिनकी माया में बड़े बड़े देवता भी जिनकी माया में मुग्ध हो जाते हैं। तुम ये माई को क्या करते हो? ऐसा आवाज फटाफटा क्यों आवाज आ रहा है? इसलिए हम आगे जा करके सुनेंगे, जिनकी माया में स्वयं ब्रह्मा भी मुग्ध हो गए, जिनकी माया को द्वारा इंद्र भी मुग्ध हो गए। बोले इनकी बात छोड़ो, 33 करोड़ देवता भी जिनकी माया से मुग्ध हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले जानन्तु एव जानन्तु। अगर कोई कहता है अरे वही गैया चरने वाले हैं, गैया को पीछे पीछे चरने वाले और मक्खन चुराने वाले कृष्ण की बात करते हो ना, अगर कोई कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं ये पृथ्वी का धूल कणा को कोई गिन सकते हैं, बारिश का बूंद को कोई गिन सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की महिमा को कोई नहीं जान सकते हैं। इनकी ऐसे महिमा है। इसलिए एक समय कृष्ण द्वारका में अपना रानियों को साथ में बैठे हुए थे। एक दिन नारद जी स्वर्ग में गए थे और वहां से एक पारिजात पुष्प लेकर के स्वर्ग से आए और कृष्ण को हाथ में पकड़वा दिया। बोले कृष्ण ये जो जितने रानी बैठे हैं, सबसे ज्यादा जिसको तुम प्रेम करते हो ये फूल दे दो, मेरे जल्दी जल्दी जाना, मेरे को जाना है। कृष्ण बोले भैया ये कहाँ से आ गए, झगड़ा लड़ाई झगड़ा करने के लिए?
क्योंकि कृष्णा जिस जिस रानियों के पास में कृष्ण जाते हैं, कृष्ण कहते हैं मैं तेरे को जितने प्रेम करता हूँ और किसी को भी इतना प्रेम मैं नहीं करता हूँ। कृष्ण ये सब बात को बोलते रहते हैं, बोले सारे पोल तो अभी खुल जाएगा। इतने में नारद बोले प्रभु जल्दी जल्दी दो, मेरे पास में समय नहीं, जल्दी जाना है, जल्दी दो। पास में बैठी हुई थी रुक्मिणी, वो सबसे पहला रानी, कृष्ण वो फूल रुक्मिणी को दे दिया। बस मजा देखो किसकी, सत्यभामा की। क्योंकि जो सत्यभामा ये राधा जी की अंश से सत्यभामा है, हैं चंद्रावली की अंश से रुक्मिणी है। और राधा रानी का जो स्वभाव है बाम भाग्य, बाम स्वभाव मतलब मान करना। बस उनको फूल देते ही सत्यभामा तो प्यार पटकती हुई एक तमतमाते हुई सभा छोड़कर चली गई। कृष्ण बोले कहाँ से नारद आ गई लड़ाई लगाने के लिए, है कोई काम धाम नहीं। अभी कृष्ण गए मनाने के लिए, जब उसको पर हाथ रखा ना, एक हाथ को फेंक दी, बोले आप ऊपर जैसे काले अंदर में भी काले हो, हैं हर समय मेरे को क्या कहते हो, मैं तेरे को जितने प्रेम करता और किसी को इतना प्रेम नहीं करता। आज पूरा सभा को पता चला आप किसको सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हो। कृष्ण तो सब जानते हैं, सब कुछ करना जानते हैं। बोले अरे उसको के लिए तो मैं तेरे को फूल उसको दिया, तेरे लिए तो मैं स्वर्ग से पारिजात पेड़ ले ला करके तेरे घर के सामने मैं लगा दूंगा। बोले ज्यादा बोलो मत, जिसने एक फूल नहीं दिया और मेरे लिए पेड़ ले आएंगे, एकदम बोलना नहीं, तुम जाओ वहीं। बोले अभी अभी चलो, बोले अभी अभी चलो। कृष्ण ने किया क्या, माई को क्या कर रहे हो, हरे कृष्ण। इसलिए बोले अभी चलो, भगवान गरुड़ को पीठ पर सत्यभामा को लेकर के स्वर्ग गए और स्वर्ग जाकर के इंद्र को बोले मेरी पत्नी मान की है, एक पारिजात पुष्प दे दो। देखो देवता कितने स्वार्थी है, बड़े स्वार्थी देवता। जब बलि महाराज ने छीन करके ले लिया था स्वर्ग लोगों को, कृष्ण ने ही उनको पुनः उन्होंने दिया स्वर्ग को। लेकिन ठाकुर जी केवल एक पेड़ मांग रहे हैं, बोले नहीं आपको हम एक पेड़ नहीं देंगे, स्वर्ग की महिमा तो ये पारिजात वृक्ष से, अगर ये मरते जगत में चला गया इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। बोले नहीं दोगे तो फिर पराक्रम दिखाना पड़ेगा। भगवान फिर अपना पराक्रम को दिखाया। जब उन्होंने पेड़ को उखाड़ करके ले जा रहे थे, 33 करोड़ देवता भगवान को साथ में लड़ पड़े, लेकिन भगवान ने सबको परास्त करते हुए पेड़ को लाए और सत्यभामा का घर के सामने लगा दिया। हे सत्यभामा की आनंद की ठिकाना नहीं रही। फिर सारे उन्होंने रानियों को अपना घर में बुलाए, बोले क्यों बुलाए, बोले ये मत समझो कृष्ण रुक्मिणी को ज्यादा प्रेम करते हैं। अरे रुक्मिणी को तो एक फूल दिया, मेरे को देखो पूरा के पूरा स्वर्ग से पेड़ उखाड़ कर ला दिए। इसलिए यहाँ पर कहते मुझ्यंति जत सुरयो, भगवान की ऐसे दिव्य माया है भगवान की, कहते जिनकी माया से बड़े बड़े देवता लोग भी जिनकी माया से मुक्त हो जाते हैं, ऐसे जो भगवान कृष्ण हैं। इसलिए कहते तेज बारी मृदाम जथा विनिमय हो जत्र त्रिसर्ग मृषा। जैसे कभी आप गाड़ी में गर्मी का समय में आप जाओ ना, गाड़ी में रास्ता में क्या दिखता है, जैसे पानी पानी दिखता है, लेकिन पास में जाकर के देखो पानी है नहीं। कभी जल में स्थल और स्थल में जल बुद्धि होता है। इसलिए कभी कभी भगवान कृष्ण में ऐसे लगता है जैसे कृष्ण बचपन में जैसे मक्खन चोरी करते थे, मटकी फोड़ते थे, कृष्ण लगता है जैसे साधारण बच्चे जैसे लीला करते। बोले नहीं ऐसे नहीं भगवान, लेकिन भगवान का जो गुण है, भगवान की दिव्य गुण भगवान की, ऐसे जो भगवान कृष्ण और श्री राधा रानी, हम ये दोनों के चरण में हम प्रणाम करते हैं। बोले श्री जुगल सरकार की, बोले श्रीमती राधा रानी की जय, जय श्री राधे। इसलिए मंगलाचरण का दूसरा श्लोक में कहते ये प्रतिज्ञा लेते हैं। बोले भागवत क्या प्रतिज्ञा लेता है, बोले धर्म प्रजीत कैतव अत्र परम निर्मत शरणम सताम। बोले भागवत में कोई धर्म अर्थ काम ये तीन वर्ग का तो बात है ही नहीं, यहाँ तक भी उन्होंने मोक्ष को भी निकाल दिया जिसमें केवल भगवत भक्ति और प्रेम। कहते ये भागवत किसके लिए है, बोले जिनका हृदय में कोई मत्सरता नहीं,
कोई ईर्षा द्वेष जिसका हृदय में नहीं, जिसका हृदय केवल पवित्र है उन्हीं के लिए ये भागवत है। जिनके हृदय में मत्सरता, मत्सरता मतलब क्या, दूसरी की महिमा को देख करके जिनके हृदय में ईर्षा द्वेष होता है, इसलिए शास्त्र ने बताया जो काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, कहते भक्ति करना तो ये चीज को निकालनी चाहिए, लेकिन काम को तो लगा दिया। बोले काम को कहाँ पर लगाओ, कोई बोला छोड़ो छोड़ो, बोले नहीं, गोपियों ने कृष्ण को काम भाव से तो भक्ति की तभी तो मिले हैं ना, ये काम अगर कृष्ण भक्ति में लगा तो कृष्ण प्राप्ति हो गया। लोभ, कहते लोभ कहाँ पर लगाओ, जैसे आप लोगों का दिल में लोभ है तभी तो घर छोड़कर यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए, लोभ कहाँ पर लगाओ, साधु संग में हरि कथा। काम, बोले क्रोध, बोले क्रोध कहाँ पर लगाओ, क्रोध गंदी चीज है, लेकिन क्रोध कहाँ पर लगाओ, अगर कोई भक्ति की प्रतिकूल चीज को देखो वहां क्रोध लगाओ, जैसे हनुमान जी लंका को जलाया कि नहीं, संत को थोड़ी क्रोध करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, लगा दिया। कहते मोह, बोले मोह कहाँ पर लगाए, ये भी बंधन का कारण है, बोले भगवान की गुण कीर्तन में लगाओ। ये सारे चीज को तो एक एक लगा दिया, लेकिन जो द्वेष है ना, जो ईर्षा है जो मात्सर्य, इसको कहीं पर नहीं लगाया, कभी ये कहीं नहीं लग सकती है। दूसरों की भलाई देख करके जिनके हृदय में ईर्षा की भावना प्रकट होता है, कहते भैया ये चीज कहीं नहीं लगा सकते, ये बहुत गंदी चीज है। इसलिए ये भागवत किसके लिए है, बोले जिनके हृदय में कोई मात्सरता नहीं उनके लिए ये भागवत ग्रंथ है। इसलिए कति भागवत क्या है, बोले सद्य हृदय अवरुद्ध कृति भी सुश्रुभि तत्क्षणा। कति भागवत कथा की इतने महिमा, जैसे मंदिर में कथा हो रही है, अभी घर में हो, पता चला मठ में कथा हो रही है, अगर किसके हृदय में इतनी मात्र इच्छा हो गई, भैया कथा हो रही है चलो कथा सुनने के लिए जाएंगे, इतना इच्छा मात्र से ही ठाकुर जी उसके हृदय में आकर के ऐसे बंध जाते हैं, ऐसे फंस जाते हैं, हृदय से निकलने का ठाकुर को रास्ता नहीं मिलता है। लेकिन अगर सचमुच से अगर कोई आ गया, ये भागवत कथा में बैठ गया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उनकी महिमा तो हम बता ही नहीं सकते हैं, वो कितने बड़े पुण्यात्मा हैं जो भागवत कथा में आकर के बैठ करके ये भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। इसलिए शंकर जी क्या कहते हैं, बोले अति हरि कृपा जा पर होए, अति हरि कृपा जा पर होए, पाप दलिया संगत सोए, पाप दलिया संगत सोए, अति हरि कृपा जा पर होए, अति हरि कृपा जा पर होए। शंकर जी कहते पार्वती जिसको ऊपर में ठाकुर का डायरेक्ट कृपा हो जाए पार्वती, वही व्यक्ति ही कथा रूप गंगा में स्नान कर सकते हैं। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती अगर ये भागवत कथा रूप गंगा में कोई स्नान करे ना, कहते मन जन फल देखई तत्काला काक होई पी कब भको मरला। अगर कथा रूपी सत्संग में कोई बैठ जाए, कहते इसका फल क्या है, बोले जो कौआ है वो कोयले बन जाती है। हम लोग कौआ देखेंगे नहीं, कौन कौन देखे कौआ, सब देखे कोयले देखेगी नहीं, देखे हो कैसे रंग कैसे काले, इसलिए देखना ये कौआ भी काला लेकिन कोयले भी काला है। लेकिन अगर कौआ अगर ज्यादा समय बैठ कर घर के सामने का 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 का, भले कब से का का कर रहे, कान दर्द हो गया, लेकिन जब बसंत ऋतु में जब कोयली जब कूकती है कितने मीठी है, कुहू कुहू कितने मधुर स्वर है। शंकर जी कहते पार्वती ये भागवत कथा रूपी गंगा में जो अगर कौआ डुबकी लगाएंगे ना, कौआ नहीं रह जाएगा, कौन रह जाएगा, कोयल। इसका मतलब क्या है, कौआ और कोयल के उदाहरण क्यों दिया, बोले कौआ की आवाज कर्कश, मतलब है ये जो संसार की जो चर्चा है
ये बड़ा कर्कश है, बड़े दुखदायी है। बैठ करके थोड़ी समय दुनिया की बात कर लो, इतने दुखी दुखी हो जाओ दुनिया बात करके, उसको घर में ये हो गया, उसको घर में ये हो गया, कथा उसको कथा सुनकर उठाओ ना, मन गंदा बन जाएगा। लेकिन भगवत कथा सुनकर उठो, एकदम मन तुम्हारी पवित्र हो जाएगी। कहते कहते जो बगुला बन जाता है हंस, बगुला भी सफेद, हंस भी सफेद है, लेकिन बगुला क्या खाता है, गंदी गंदी चीज को ढूंढता रहता है, कहाँ पर कीड़े मकोड़े गंदी चीज। लेकिन हंस क्या करता है, कहते ये मानस सरोवर में कमल मधु को पान करता है। इसलिए हमें बगुला नहीं रह करके हमें हंस बननी चाहिए। देखो ये जो दुनिया है ना, एक चीज को समझो, ये जो दुनिया में गंदी गंदी चीज है सारा दुनिया, आप केवल मठ में बैठे हो, यहाँ पर हरी कथा सुन रहे हो, लेकिन मठ से बाहर निकलो कौन सा कथा सुनने को मिलेगा, कोई हरिचर्चा सुनने को मिलेगी, सारी दुनिया की उल्टा पुल्टा गंदी गंदी बात, हाँ सारा दुनिया की बात मिलेगा। इसलिए संसार में, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनको मक्खी नहीं बन करके मधुमक्खी बननी चाहिए, मक्खी नहीं बननी चाहिए, गंदे चीज में नजर मत दो, दुनिया तो गंदा ही गंदा है, दुनिया गंदा ही गंदा है दुनिया, इसलिए गंदी चीज से मुंह नहीं मार करके मधुमक्खी बनकर क्या करो, शहद का आहरण करो। अगर मक्खी बनोगे ना, केवल दुनिया की दोष 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 देखते रहोगे, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, उसका तो जितने दुर्गुण चला जाएगा और तुम्हारी अंदर में सारे दुर्गुण आ जाएंगे, खुद देखो एक दिन तुम उसमें ही डूब गए, और जिसका निंदा किया वही खुद पवित्र हो गए। इसलिए हमें बगुला नहीं बन करके क्या रहनी चाहिए, हमें हंस बनो, हंस बनकर केवल हमें केवल क्या पान लेना है, हमें दूध पीना है और पानी को हमें छोड़ देना है, तभी तो हमारी कल्याण हो सकता है। नहीं तो भैया कल्याण होना कलयुग में बड़ा कठिन है। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और जो तीसरा जो मंगलाचरण है, कभी ये आशीर्वाद देता है, ये भागवत हमें क्या आशीर्वाद देता है, कभी ये आशीर्वाद देता है, मोहरहो रसिका भूमि भावुका है, कहते हैं ये आशीर्वाद क्या देता है हमें, केवल गोपियों ने जैसे भगवान की भक्ति की है, गो मतलब होता है इंद्रियां और पी मतलब होता है पीना, जो नित्य निरंतर कृष्ण भक्ति रस को इंद्रियों के द्वारा जो पान करते हैं और अपना इंद्रियों के द्वारा कृष्ण इंद्रियों को जो पालन करते हैं ब्रज गोपियां, हमें ऐसे ही भगवान की भक्ति, ऐसे भक्ति अगर जीवन में किसी ने कर लिया, समझना हमारे जीवन धन्य हो गया है। इसलिए भागवत नहीं कहते, ये कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है, लेकिन ये जो पका हुआ फल है, बोले सुख मुखात अमृत द्रव्य संयुतम, फल तो मीठा था है, लेकिन जब ये सुखदेव गोस्वामी की मुंह से जब कथा निकली उसमें और भी स्वाद आ गया। बोले क्यों आ गया, बोले ये जो सुख है, बोले प्रिया सुख श्री वृषभायो जाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना एकांत कनन रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवास। इसलिए कहते राधा जी की तीन तोते थे, कितने तोते थे, क्या क्या बोलो, कहीं कहीं था चार भी है, कहीं कहीं तीन ही है। कहते एक था मंजूभाषी, मंजूभाषी मतलब जो बड़ी मीठी मीठी बोली बोलती थी, एक का नाम है कहते ये सुभा है जो मंगलदायी, एक एक नाम है मंजूभाषी सुभा और एक है कैसे, ऐसे तीन चार तोते थे। कहते एक तोता का काम था, आज राधा कृष्ण कहाँ मिलन होगी, ये तोता कृष्ण से राधा जी को पास में और राधा जी से कृष्ण को पास में जो मैसेज भेजता था, हाँ लेकर बोलता था आज जुगल के मिलन यही होगी हैं। इसलिए कहते ये जो तोता है जो राधा जी के निकुंज में रहने वाले और स्वयं राधा रानी जिनको अनार की दाना खिलाया करती थी और इनको कृष्ण नाम पढ़ाया करती थी और कभी कभी इनको कृष्ण रूप मान करके कभी कभी राधा रानी चुंबन करती थी,
चुम्बन करने पर राधा जी की जो अधरा मृत ये तोते को मुंह में लग गया। लगने का नाते हम आगे सुनेंगे जब वहां पर 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए थे, लेकिन वहां पर सबसे छोटे सुखदेव गोस्वामी, कहीं आता है 12 साल की, कहीं आता है 16 साल की, उनको पिताजी बैठे हुए थे, उनको पिता भी, उनके गुरुजी, उनके गुरुजी, उनके गुरुजी, दाढ़ी मोच लंबे चौड़े और बड़े बड़े, कोई 100 साल 1,000 साल के। लेकिन जब कथा सुने हैं ना, ये सबसे छोटे से छोटे। कारण क्या है? राधा रानी की ये प्रिय तोता है, इसलिए राधा जी के अधरा मृत लगा हुआ। इसलिए कहती है जो फल कहाँ पर था, बोले पेड़ की सबसे ऊंचाई शाखा पर वो था वो फल, लेकिन जो फल था लेकिन किसको दिखाई नहीं वो फल, लेकिन वो फल दिखा किसको? बोले सुखदेव गोस्वामी को दिखे। बोले क्यों, इनको क्यों दिखे, और भी तो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि थे अलग अलग फिलोसफी वाले, लेकिन इनको क्यों दिखे? बोले कारण है ये जो सुखदेव गोस्वामी इन्होंने गुरु परंपरा से आए, जैसे भगवान ये दिव्य फल सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया, फिर ब्रह्मा जी नारद जी को दिया, फिर नारद जी व्यास देव को दिया, फिर व्यास देव किसको दिए? बोले सुखदेव गोस्वामी को दिए। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, जब तक किसी शुद्ध वैष्णव परंपरा में हम नहीं आएंगे ना, ये भक्ति तुम्हें मिलने वाले नहीं। अगर कोई सोच ले हम क्या काम लिखे पड़े, हम स्वयं भागवत पढ़ लेंगे, हमने PhD की, हमने हमने क्या की, हमने बहुत संस्कृत पढ़ रखा है, हम अपना बुद्धि से ही भागवत पढ़ लेंगे। यहाँ पर कहते भैया जैसे समुद्र मंथन से 20 भी निकला और अमृत भी निकला, लेकिन अमृत मिला किसको? देवताओं को। 20 किसको मिला? दैत्यों को। कहते बगैर गुरु परंपरा से अगर डायरेक्ट पढ़ने के लिए जाओगे तुमको अमृत नहीं केवल 20 ही तुमको मिलेगा, और कुछ तुमको मिलने वाले नहीं। इसलिए सुख मुखार ये कथा जब सुखदेव गोस्वामी के मुंह से निकली उसमें विशेष आनंद आया। तब एक उदाहरण देते हैं, कहते फल कहाँ पर था? बोले पेड़ का सबसे ऊंचाई शाखा पर था। ये फल किसी को दिखा नहीं, दिखा तो किसको दिखा? बोले सुखदेव गोस्वामी को। लेकिन जब उन्होंने जाकर चोंच मारे, वो फल पका हुआ था, वो चोंच मारते ही गिरा। अगर कोई एकदम फल पका हुआ फल हो, जैसे आम हो, सबसे ऊंचाई शाखा पर हो, अगर गिरेगा तो क्या हो जाएगा? बोलो फट जाएगा। बोले ये फल फटा ही नहीं क्यों? बोले इसलिए नहीं फटा है, ये गुरु परंपरा माध्यम से आया है, हैं? जैसे मेरे पास में फल, जैसे प्रेमचंद प्रभु पीछे बैठे हुए, जैसे उनको कोई फल देना, मैंने किसको? संजय को दिया, उनने सुंदर गोपाल को दिया, सुंदर गोपाल उनको दिया, वो प्रभु उनको दिए, उनका हाथ में जाते जाते प्रेमचंद प्रभु के हाथ में पहुंच गया, वो फल जैसे को तैसे पहुँच गया ना, उसमें थोड़ी सी खोरच तक भी नहीं आएगी फल में। कहते उसी तरह बल्कि वो फल जितने नीचे आता गया ना उसमें और भी स्वाद आया। बोले कैसे? बोले ये फल को सबसे पहले कौन खाए? कृष्ण खाए, उसमें कृष्ण का अधरा मृत लगा हुआ। फिर फल दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी कौन? हमारे आदि गुरु, एक उन्होंने द्वादश महाजन्म, एक महाजन बड़े संत है, तो वो फल को उसको भी खाए, जब खाए उनकी भी अधरा मृत लग गया। फिर वो फल दिया नारद जी को, उसमें और भी ज्यादा मिठास आ गया। फिर वो फल को व्यास देव खाए, और भी मिठास। फिर सुखदेव गोस्वामी खाए, उसमें और भी मिठास आ गया। फिर आते आते धीरे 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 वो फल प्रभुपाद को पास में आया, फिर और भी ज़्यादा मीठा आ गया। फिर वो फल हमारे श्री भक्ति प्रज्ञानी श्री केशव गोस्वामी महाराज खाए, उसमें और भी ज़्यादा मीठा आ गया। फिर वो फल फिर हमारे भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज को पास में आया, और ज़्यादा मीठा हो गया। फिर वो फल जब फिर हमारे पास में पहुँचाना क्या हो गया? सबको जो मीठा 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 किसको मिला? जो नीचे मिला है। आप देखना घर में ज्यादा बड़ा बनकर ज्यादा लाभ नहीं है, छोटा बनना बढ़िया है। छोटे बच्चों को देखो मस्ती से खेलते हैं, कहीं जाए सब छोटे को प्यार, बड़े को प्यार करते, कोई नहीं करते। इसलिए बड़ा बनना रहा भक्ति जगत में अच्छा नहीं है। आप जितने छोटे बनकर रह सकते हो ना उतना बढ़िया, तुमको ज्यादा ही लाभ है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जब सुखदेव गोस्वामी मुंह से, क्योंकि राधा जी की सखी साधारण लोग से कथा सुनो कितना प्यारी लगती है, लेकिन अगर राधा जी की कोई सखी के मुंह से कथा सुने फिर तो उसमें और भी ज्यादा से ज्यादा और भी ज्यादा मीठा। इसलिए क्या करो? बोले भैया भूमि, बोले रस को कहाँ पान करो?
बोले वृंदावन धाम में रह करके पान करो, ये पृथ्वी लोक में रह करके क्या करो, ये कथा रस को पान करो। इसलिए इसको कौन पान कर सकता है? बोले यद्यपि रस को सब भक्तों ने पान किया है, लेकिन ब्रज गोपियों ने जैसे पान की, राधा जी की अनुगता होकर के रूपानुगत्व को ग्रहण करते हुए राधा रानी की सखी बन करके जो पान ये रस नहीं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की, बोले ओम नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। अभी ये घर कलिजुग आने का वजह से अभी सौनकादि ऋषि लोग बड़े दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास में गए, बोले ये कलिजुग से हम बच्चे कैसे। ब्रह्मा जी बोले अपना मन से एक चक्र फेंकूंगा, जहाँ पर गिरेगा वहीं पर भजन करो। वो गिरा नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य मतलब जहाँ पर एक निमिष समय भी बर्बाद नहीं हुई। आप लोग गए हो नैमिषारण्य? कौन कौन गए हाथ उठा दो, एक दो तीन गए। हाँ अब बताओ कौन जाना चाहते हो नैमिषारण्य एक बार? सबको लेकर के ना, बहुत बढ़िया स्थान है जहाँ पर गंगा बह रही है। वो चक्र जब गिरा ना, वो चक्र को पूरा पातालों को भेद करके चला गया। हर समय वहाँ पर देखोगे पानी, हर समय फोरा जैसे पानी वहाँ पर प्रवाहित होती है। वहीं पर ही सुतो गोस्वामी सौनकादि लोगों को कथा सुनाते हैं, और वहाँ पर भागवत कथा की विशेष महत्व है, विशेष महत्व वहाँ पर अगर भागवत कथा की जाए। क्यों? वहीं पर बैठा करके उन्होंने कथा सुनाया था। लेकिन आपका घर के पास में सुकरताल है, सुखताल, यहाँ पर भी बड़ी महिमा है। क्यों? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को यहाँ पर सुनाए, और वहाँ पर सुतो गोस्वामी सौनकादि ऋषियों को वहाँ पर कथा सुनाए। इसलिए कथा सुनने का बड़ा महत्व है। अगर आप लोग कभी प्रोग्राम बनाओगे तो पास में और भी बड़ी सुंदर सुंदर दर्शनीय स्थान है, होगा तो एक बार हम लोग सबको दर्शन करके आएंगे। वहीं पर बैठ करके क्या कर रहे थे? यज्ञ कर रहे थे। लेकिन वो यज्ञ करते 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 उनको दाढ़ी, उनकी मोचे सब जल गया, लेकिन शांति नहीं, हृदय तक भी जल गया लेकिन शांति नहीं मिल रहा है। यहाँ शिक्षा देते भैया यज्ञ से इतना कल्याण होने वाले नहीं है, लेकिन अगर भक्ति रूपी यज्ञ होना, कृष्ण संकीर्तन रूपी यज्ञ हो, उसी में ही विशेष लाभ है। इसलिए जब वहाँ पर भगवत इच्छा से श्री सुतो गोस्वामी आए, इसलिए बोले सुतो दो तरह, दो सुत है, कहते एक उग्र सभा सुत है और एक है कहते लो महर्षण सुत, जो सुत है कहते ये जो सुत है कहते ये श्री उग्र सभा। उग्र सभा मतलब जो एक बार सुन ले कभी भूलेगा नहीं, कभी वो भूलेगा नहीं, इसलिए इनका नाम उग्र सभा। इसलिए कहते भैया सभा मतलब सुनने का, अपना इंद्रियों को क्या करो, उग्र बनाओ। उग्र मतलब जो एक बार सुन लो, जैसे वो कथा को कभी नहीं भूलनी चाहिए। जब वहीं पर भगवत इच्छा से सुतो गोस्वामी आए, सौनकादि ऋषियों ने उनको आसन दे करके बैठाए, बोले आप गुरु जी की कृपा से ही ये जितने वेद पुराण इतिहास को आपने अच्छे तरह से अध्ययन किया है, इसलिए ये घोर कलिजुग आया है। कलिजुग में जो लोग का बुद्धि कैसे है, बोले मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य चुभद्रता, इनका जो बुद्धि है वो मंद बुद्धि है। आप लोग देख लेना कलिजुग का जी, कोई अच्छा काम हो ना उसमें हमारी मन जाएगा नहीं, लेकिन कहीं अगर गंदा चीज हो गया ना, उसका ढिंडरा पिटवा देंगे सारा दुनिया में। लेकिन अच्छे चीज कोई हो उसको लेने के लिए स्वीकार नहीं करते हैं, गंदा चीज हो उसमें स्वाभाविक रूप में मन जाता है। इसलिए कहते मंदा, कहते कलिजुग का जो जीव स्वभाव क्या है, हमारे से बावन गोस्वामी महाराज थे, इनको पास में जाकर कोई इधर उधर का बात बोले ना एकदम नहीं सुनते थे, कोई जाकर कहीं बोल दे इधर क्या बोलते थे, बोले हरे कृष्णा, वो कहते थे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। उनको पास में कोई भी जाकर कोई बात बोले, वो बोलते थे भैया इधर उधर की बात मत कहा करो, समय ये मानव शरीर बड़ा कीमती जीवन है, एक एक श्वास जो जा रहा है
कहते अरब खरब रुपया देने पर भी एक श्वास को वापस नहीं ला सकते। वो बारंबार कहते थे हमारे पास में इतने समय नहीं इधर उधर की चर्चा करने के लिए, भगवान कृपा करके हमें मानव शरीर दिया, जितने जल्दी जल्दी हो। ये दुनिया तो कली, विशेषकर कली युग है, युग तो कली युग ना, सब जगत में कली कली है। इसलिए वो कहते थे भैया ये जीवन को जितने जल्दी हो भजन में लगाओ, बस ठाकुर के पास में चले जाओ, ये दुनियादारी चीज में मन को फंसा मत, मना करते थे। इसलिए कहते मंदा, ये मन स्वाभाविक रूप में गंदी चीज में जाते हैं। बोले सुमंद, बोले मंद नहीं, ये जो मन बहुत ही गंदा है, मंदा सुमंद मतयो, फिर मंद भाग्य, हमारा भाग्य भी बड़ा मंद भाग्य है, फिर जुबद्रुता, भजन के लिए जाओ कितने उपद्रव है, उल्टा पुल्टा काम में जाओ कोई उसमें रोकने ठोकने वाले नहीं, लेकिन भक्ति करने के लिए जाओ कितने बाधा कितने विपत्ति, भक्ति जगत में कितने, बोले भक्ति मार्ग यह कोटिकंठ करुधव, करोड़ों कांटा युक्त बोले खुरस धारा। कहते जो भक्ति मार्ग जैसे खुर होता है ना, ब्लेड होता है, उसको ऊपर चलना भक्ति राज्य में चलना बराबर है। जैसे सेब करते हैं ना, थोड़ी इधर उधर ना कट जाएगी। इसलिए कहते भक्ति जगत में सावधान साधु सावधान, मतलब भजन करने के लिए आए, इधर उधर मन को मत दिया करो और अपना मन को भगवान की भजन में लगाओ, लगा कर क्या करो भवसागर से पार हो जाओ। इसलिए कहते बताओ कल्याण कैसे होगा। तब उन्होंने बोले देखो, तब उन्होंने उनको छह प्रश्न किया और छह प्रश्न का उत्तर ही ये श्रीमद् भागवत है। जो पहला प्रश्न है क्या है पहला प्रश्न, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। दूसरा प्रश्न है कलियुग में भगवत प्राप्ति की सबसे सरल उपाय क्या है। तीसरा प्रश्न है भगवान कृष्ण की हमें कथा सुनाओ। लेकिन कृष्ण एक होने पर भी कृष्ण का तीन धाम है, हमें तीन कृष्ण का कथा सुनाओ। कृष्ण वृंदावन बिहारी की कथा सुनाओ, द्वारका की और मथुरा की, ये तीनों जगह की कथा हमें श्रवण कराए करो। केवल कृष्ण कथा नहीं, चौथा प्रश्न जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मानस जामि हम। भगवान जो अलग अलग जो अवतार लिया है, मत्स्य कुर्म बराह नृसिंह वामन, ये सारे अवतार का भी हमें कथा सुनाओ। पंचमा प्रश्न है भगवान के अद्भुत जो जस है महिमा, जैसे अजामिल जैसे व्यक्ति केवल अपना पुत्र को नारायण बोला, भगवान को नहीं अपना पुत्र को उन्होंने नारायण बोला, उससे बड़ा पार है भगवान। जिसने क्या किया, गिरिराज गोवर्धन को कनिष्ठ अंगुल पर धारण कर लिया, बोले श्री गिरिराज महाराज की। इसलिए भगवान एक कृष्ण, लेकिन ब्रज गोपियां क्या देख रही थी, कृष्ण सत करोड़ों गोपियां, हर गोपी देख रही थी कृष्ण हमारे पास में हमारे पास में। इसलिए भगवान के अद्भुत जस को सुनाओ। और छठवां प्रश्न है भगवान जब ये जगत छोड़ करके चले गए, अभी ये कलियुग में भागवत कहाँ आश्रय लिया, बोले भागवत कहाँ आश्रय लिया, बोले श्रीमद् भागवत ग्रंथ में। मतलब अगर कलियुग में कोई व्यक्ति ये भागवत ग्रंथों का अगर कोई श्रवण करता है, बोले भागवत कथा सुनना भगवान से मिलना कोई अलग बात नहीं, हम कथा नहीं सुन रहे क्या कर रहे हैं, भागवत साक्षात भगवान से हमारी मुलाकात हो रही है। इतने प्रश्न सुन करके प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो करके बोले मैं पहले अपना गुरु जी की चरण की वंदना करते हुए तुम्हारी प्रश्न का उत्तर देता हूँ। बोले बंदो गोरो पद पदो माँ परा, गोरो पद पदो माँ परा, बंदो गोरो पद पदो माँ परा, बंदो गोरो पद पदो आसुरति सुभात सरसा अनुरागा, सुभात सरसा अनुरागा, बंदो पद पदो पद पदो। उन्होंने
अपना गुरु जी के चरण की वंदना की, वंदना करते हुए प्रश्न का उत्तर देते हैं। बोले मेरे गुरु जी कह रहे हैं, बोले भैया मेरे गुरु जी साधारण व्यक्ति नहीं, जो मातृगर्भ में 16 साल तक रहे, बुलाने पर भी नहीं आना चाह रहे थे। बोले भैया क्यों? बोले यहीं पर बढ़िया भजन हो रहा है, पेट में टाटी पेशाब खून पी गए, कहते यहीं पर बढ़िया भजन 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 तो यहीं पर हो रहा है, हैं? बोले संसार में जाओगे तो बस प्रतिज्ञा तो यहाँ पर करते हैं भजन करने की, लेकिन संसार में आते ही भूल जाते हैं। इसलिए हमारे जो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज थे ना, वो पायखाना के अंदर में बैठ कर भजन करते थे, और जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वो क्या करते थे, चारों तरफ में मछली का कांटा बिछा देते थे। बोले क्यों? बोले लोग मेरे को ये समझे ये मछली खाने वाले बाबा है, इसलिए पास में नहीं आई डिस्टर्ब करने के लिए। और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोलते थे भैया पायखाना में दरवाजा बंद करके यहाँ पर भजन बढ़िया हो रहा है। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं भैया भगवान की भक्ति जहाँ पर बढ़िया से हो वो स्थान सबसे बढ़िया स्थान, वहीं पर बैठ करके। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बोले भैया बढ़िया भजन हो रहे, पिताजी क्यों बुला रहे हो? बोले माँ को कष्ट हो रही है, हैं? बोले ये माया में जाते ही माया पकड़ लेगी, बोले मैं हटा दूंगा। बोले आप नहीं हटा सकते कि माया में आप भी स्वयं हो। बोले कौन हटा सकता है? बोले मायापति कृष्ण ही हटा सकते हैं। जो भगवान आए माया को हटाया, श्री सुखदेव गोस्वामी जन्म हुए। बोले श्री सुखदेव महाराज की, लेकिन जन्म होते ही अभी उनकी उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ, बस भजन करने के लिए जा रहे हैं। पिताजी हा पुत्र कर रहे थे, लता पता वृक्षों से शब्द प्रतिध्वनि आ रहा था, हा पुत्र, मतलब कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता है, झूठा संसार है, संसार में कोई किसकी है नहीं, मैं भी कभी तुम्हारी बेटा हुआ हूँगा, पिता हुआ रह हुआ। इसलिए यहाँ सुतो गोस्वामी कहते हैं देखो ये जो लता पता वृक्ष है ना, वहाँ से भी प्रतिध्वनि आ रहा है पुत्र पुत्र। बोले क्यों? बोले जो भगवान की प्यारा हो जाए ना, जो भगवान की प्यारा हो जाए सारा दुनिया उसकी प्यारा, जैसे हनुमान जी, हम क्यों हनुमान जी की इतने पूजा क्यों करते, क्यों पर प्रभु राम के ये प्यारे हैं। तुलसीदास का नाम क्यों लेते, भगवान की भक्त है। ध्रुव प्रहलाद मीराबाई की कथा क्यों सुनते हैं, कारण है ये भगवान की भक्त है। कद जो भगवान की भक्त एक बार बन जाए ना बस, कद जा पर कृपा हरि की हो ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए कहते अगर किसके प्यारा बनना चाह तो किसका बन जाओ, ठाकुर जी का बनो, ये दुनिया की बनने का कोई जरूरत नहीं। ये जगत में आप किसी को प्यारा बन ही नहीं सकते हो, आप देख लेना संसार में, अपना लिए संसार में हम बहुत कम करते हैं। तुम लोग तो माताएं हो, क्या भोजन करते हो, पूरा परिवार को खिला करके, पति को बच्चे को सारा दुनिया को खिला करके, अगर सब्जी नहीं मिला ना वैसे ही रोटी खा लेते हो, कभी नमक से थोड़ी सी खा लेते कि नहीं, कभी कभी यही करती है ना, कोशिश करते पति को कैसे खुश करे, पत्नी को कैसे खुश करे, बच्चे को, सास ननद को। अभी तुम्हारे ऊपर कोई खुश हुए है? बोलो बोल दो तुम्हारे ऊपर कौन खुश हुए। देखना पीछे बुराई के बगैर कुछ भी देने वाले नहीं, केवल बुराई। इसलिए कहते ये संसार नहीं रहने का, ये दुख ही दुख ही सहने का। इसलिए यहाँ पर हाँ, अगर तुम प्यारा बनना चाहो तो ठाकुर को प्यारा बन जाओ, सारा दुनिया तुम्हारी प्यारा बन जाएगी। इसलिए यहाँ हमारे टीकाकार कहते हैं ये लता पताओं से क्यों हा पुत्र आ रहा था, बोले कारण है चूंकि वो कृष्ण के प्यारा बन गए, इसलिए सब उनका अपना बेटा कहते हैं, सारा दुनिया उनको बेटा कहते हैं। इसलिए सुतो गोस्वामी कहते हैं जब गुरु जी सारे लता पता वृक्ष में भी मेरे गुरु जी की विद्यमान, जब मेरे गुरु जी सबका हृदय में है, गुरुदेव मेरे हृदय में भी गुरुदेव आ जाए, तब उन्होंने गुरु जी की वंदना किया है। गुरु जी की वंदना करते हुए तब उन्होंने प्रश्न का उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न क्या था, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? बोले सबई पुरु सांग परो धर्म जत भक्ति रे आहय तुकी अप्रतिहता जया आत्मा संप्रसीदति। कभी ये करोड़ रुपया की क्वेश्चन है, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? देखना संसार में हम जो कुछ करते किसके लिए करते हो, शांति इसलिए करते कि नहीं, जीवन में हमें शांति और सुख मिले। लेकिन कहते हमको शांति सुख क्यों नहीं मिलता है, हम तो शांति सुख के लिए सब कुछ करते हैं। बोले कारण है जहाँ ये शांति सुख है हम वहाँ नहीं ढूंढ करके ये गलत जगह पर शांति ढूंढ रहे हैं। उदाहरण दिया एक माता जी
मेन रोड में एक सुई ढूंढ रही थी। एक व्यक्ति ने देखा ये क्या ढूंढ रही है, लेकिन एक घंटा बाद में आकर देखा वहीं पर ढूंढ रही। बोले माता जी मैंने देखा एक घंटे से तो क्या चीज ढूंढ रहे हो। बोले बेटा यहाँ मेरी सुई गिर गई। बोले सुई ढूंढ रहे? बोले हाँ। बोले सुई गिरी कहाँ पर? बोले घर में। बोले सुई तो घर में गिरी, फिर रोड में क्यों ढूंढ रहे हो? कि रोड में क्यों ढूंढ रहे हो? देखो यहीं पर बात बता रही हूँ। इसलिए ये दुख का मूल कारण क्या है? बोले दुख का मूल कारण है, कहते कृष्ण भूली सही जीव अनादि भैरवी। चूंकि हमने भगवान को भूल गए, भूलने का वजह से भगवान ये दुर्गा ने ये दुर्ग बनाया, कारागार बनाया, और कारागार में हमें ठोस दिया। और तन से दुखी, मन से दुखी, धन से दुखी दुखी दे रहे। क्यों? तुमने भगवान को जो असली पिता तुम्हारी है, तुम्हें वह माता च पिता तुम्हें वह, तुम उसको छोड़कर और किसको तुमने पिता बना लिया, और किसको तुमने पति बना लिया, और किसको तुमने पत्नी बना ली, जिसको बनाना चाहिए तो तुम छोड़ दिए हो। इसलिए ये सारे दुख का जड़ यही है, हैं? यही केवल सारे दुख का जड़ है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जब तक ये जीव भगवान के शरण में नहीं जाएगा, जीव को सुख नहीं मिलेगा। इसलिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं, बारी मत है ग्रीत सिकता ते बरु तेल। भले ही कोई बोले रेती को पीस पीस करके तेल निकाल दिया, कभी तेल निकलता नहीं, मैं इसको मान सकता हूँ। भले ही कोई बोले पानी को मंथन करते करते घी निकाल दिया, कभी निकलेगा नहीं, ये भी मैं मान सकता हूँ। कोई बोले आकाश में फूल खिल गया, असंभव, ये भी मैं मान सकता हूँ। कोई बोले खरगोश का सींग हो गया, वो भी मान सकता हूँ। कोई बोले बांझ का बेटा, उन्हें 9 उदाहरण दिया, ये असंभव कभी संभव हो सकता है। लेकिन हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा, लेकिन भगवान से जो विमुख हो गए हैं उनको कभी सुख नहीं मिलेगा। इसलिए कहते सबई पुंसांग परो धर्म, जीव का जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है। लेकिन कहते भैया ये जगत का भी तो धर्म है ना, पिता के धर्म है, माता के धर्म है, परिवार का धर्म। बोले ये धर्म नहीं, ये तुम्हारी कर्तव्य, ये धर्म नहीं, ये तुम्हारी कर्तव्य है। जैसे एक पत्थर को ऊपर फेंको, बताओ पत्थर कहाँ जाएगा? नीचे। नीचे क्यों जाएगा, ऊपर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जो टुकड़ा है ना पृथ्वी का, पानी को गिरा हो किधर जाएगा? नीचे क्यों जाएगा? देखना ये पानी पहले नाली में, फिर नदी में, लास्ट में समुद्र में जाकर मिलेगा। क्यों? पानी वहीं से आया। जैसे कई दिया जलता है, उसका लो किधर जाता है? ऊपर क्यों जाता है? आप बताओ ऊपर क्यों जाता है? कारण क्या? बोले कारण है मूल जो अग्नि वो सूरज है। उसी तरह हम भी जीवन में शांति ढूंढते हैं, सुख ढूंढते हैं। बताओ जीवन में कौन दुख ढूंढा है? बोलो तो हाथ उठाओ। जीवन में कौन दुख ढूंढ रहे हो? हाथ उठाओ तो। अब बताओ जीवन में सुख कौन ढूंढ रहे हो? आनंद कौन चाहते हो? हाथ उठाओ। सब चाहते हो ना? हाँ। इसलिए हम आनंद क्यों ढूंढ रहे? कारण है वो आनंद का हम अंश है, आनंद का हम अंश है। इसलिए जब तक वो आनंद स्वरूप जो भगवान है उनकी शरण में नहीं जाओगे, कभी आनंद नहीं मिलेगा। आप बोलोगे भाई हम तो सबके सब भजन कर ही रहे, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति करने जैसे चाहिए हम वैसे भक्ति नहीं करनी चाहिए। पहला नंबर भक्ति कैसे करनी चाहिए? बोले अहेतु की भक्ति में कोई कामना वासना नहीं होनी चाहिए, निष्काम होकर के, हैं? इसलिए हनुमान बोले ना, बार बार बर मागो हरसी देहो श्री रंग पद सरज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। बोले प्रभु आपके चरण में अहितु की भक्ति और संतों की संग प्रदान करो। और भक्ति और कैसे होनी चाहिए? निरंतर जमय। कैसे होनी चाहिए? जैसे एक शहद को ऐसे डालो ना, एक धागा बनी जाती है। हमारी भक्ति कैसे होनी चाहिए? ऐसे भक्ति होनी चाहिए 24 घंटा में 24 घंटा। जब भगवत स्मरण होगा उसकी स्मरण के बगैर मन कहीं जाए नहीं। हनुमान जी दिन भर तो यही करते हैं ना, रघुपति राघव पति तपावन, और दिन भर क्या राम की सेवा तो करते हैं ना 24 घंटा में। इसलिए कोई धूप नहीं है। जब हमारी मन ऐसी सही 24 घंटा भजन में लग जाएगी, कहते तभी तुमको कहते क्या मिलेगी? कहते हैं अहेतु की अप्रतिहता जया आत्मा संप्रसिद्धति। देखो ये शब्द क्या है, कहते संसार में तो कभी कभी थोड़ी बहुत तो सुख तो मिलता है, मिलता कि नहीं? लेकिन थोड़ी तो मिलता फिर गायब कहीं हो जाती, थोड़ी मिलता कहीं गायब हो जाती,
लेकिन यहाँ पर कहते जया आत्मा संप्रसीदति, तब भी ये आत्मा को परम शांति तभी मिलेगा जब तुम्हारी जीवन ऐसे होगा। 24 घंटा जब भगवत स्मरण छोड़कर कुछ होगा ही नहीं और तुम्हारी भक्ति अहित भी होगी और भगवान के चरण में निरंतर जमाई होगी तभी तुमको ये परम शांति की तभी प्राप्त होगी। इसलिए दूसरा प्रश्न था कलयुग में भगवत प्राप्ति के सबसे सरल उपाय क्या है, क्या कहते हैं, बोले कलयुग के बलना माधारा, कलयुग के बलना माधारा, सुमीरी सुमीरी नारायण उतरई पारा, सुमीरी सुमीरी नारायण कलयुग में भगवान ने बोले ज्यादा परिश्रम करने का जरूरत नहीं, क्या करो केवल भगवान के नाम जप करो, उठते बैठते सोते क्या करो, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बस बड़ा पारी, ज्यादा कोई परिश्रम की जरूरत नहीं। इसलिए कहते हैं कहते सुलभम भगवत नामम, कहते जैसे तृतीया युग में जो भक्ति था यज्ञ, एक यज्ञ करने के लिए अभी मैं कहीं गया हुआ था, वहां पर किसने बोले हम यज्ञ करेंगे और किसको, बोले कितना पैसा खर्चा हुआ, बोले 25,000 रुपया कम से कम खर्चा हुआ, तब उन्होंने हमारे पास में बोले बाबा वो कहते नरसिंह हवन करके 25,000 के लिए है, मैंने कहा हमारे श्रीकांत प्रभु जी फ्री में करते हैं उनको ले जाओ इसलिए नहीं मतलब बाहर यज्ञ करने के लिए मतलब कितने पैसा की खर्चा है, जैसे ठाकुर को सेवा पूजा दूध दही शहद घी कर्पूर अगुर चंदन लाओ कितने पैसा खर्चा है, लेकिन देखो कलयुग में भगवान कितनी सरल रख दिया, जैसे मैं हरे कृष्ण नाम किया कोई कष्ट मिला है, दूसरे युग में जो साधन है ना कष्ट था बड़ा कष्ट, अग्नि को पास में बैठो जो लपेट निकलेगा बैठ नहीं सकते हो, लेकिन ये कलयुग में बड़ी सुलभ साधन है, बिना पैसा बिना कष्ट बिना परिश्रम में कलयुग में साधन, लेकिन कहते सुलभम भगवत नामम जिह्वा तो बसवर्तिन, हम जिह्वा को जैसे बोले जिह्वा वैसे करेगा, अगर जिह्वा को बोले हरे कृष्ण नाम लो करेगा, बोले दुनिया की बात बोलो दुनिया की बात करना शुरू कर जाएगा, इसलिए जिह्वा तो बोले तथापि नरकम जानती, बड़े आश्चर्य की बात भगवान इतने सुलभ कर दिया तभी ये कलयुग का जीव हरिनाम नहीं करेगी, और स्मार्टफोन टीवी देख देख करके तीन तीन चार चार घंटे वहां पर लगाएगी, बोले हरिनाम करो बहानाबाजी, इसलिए कहते भैया जीव का कल्याण कैसे होगा। और रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, जो भगवान के नाम जप करते हैं उनको तीन काम हो जाता है, कितना काम हो जाता है, क्या क्या बोलो, हाँ याद रखना कल बोलना, कहते गोलो को कहते श्री जम महाराज है, कहते चित्रगुप्त कहते चित्रगुप्त कापी ले आओ रजिस्टर ले आओ, बोले क्यों, बोले ये व्यक्ति का नाम को यहाँ काट दो, इसका नाम को काट दो, बोले क्यों काट दो, बोले ठाकुर का नाम जप कर रहा है ना अभी ये कभी नरक नहीं आएगा। दूसरा काम क्या, ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में आरती की थाला लेकर के सजाना शुरू कर देते, बोले क्यों, बोले हरिनाम कर रहा है ना ये भूर भूव मोहजन तप सत्य लोक जो पार करेगा उसको मैं आरती उतारूंगा। बोले तीसरा काम किया, बोले गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को कहती है, क्या कहती है, बोले रजिस्टर ले आओ और इसका नाम को चढ़ा दो, इसके नाम को लिख दो, बोले क्यों, बोले ठाकुर का नाम ले रहा है एक दिन ये जरूर राज्य कहाँ पर आएगा, मेरे चरण में गोलोक वृंदावन में एक दिन जरूर ये गोलोक वृंदावन को प्राप्त करेगा। बोले कितने महिमा कलयुग में नाम जप करने का,
इसलिए महाप्रभु कहते भैया उठते बैठते सोते चलते हाथ में काम करो और मुंह में ठाकुर का नाम लो। कितने सरल है, ठीक है ना, सबके सब करोगे, कौन करेगा, सबके सब हरिनाम करना। ठाकुर जी एकदम सरल उपाय रख दिया, प्रभु का नाम से कल्याण होने वाले हैं, इससे ही उधार प्लस स्थान काल पात्र। मतलब स्थान मतलब ठाकुर जी ये नहीं बताए, बोले देखो केवल अमेरिका वाले नहीं कर सकते हैं, यूरोप वाले रशिया वाला नहीं कर सकते, ऐसे नहीं, केवल भारत के लोग कर सकते, बोले नहीं कहीं का लोग भी कर सकता। स्थान बोले काल, काल मतलब ठाकुर जी ये नहीं कहते हैं केवल सवेरे कर सकते हो रात को नहीं, बोले नहीं कभी भी ठाकुर का नाम तुम ले सकते हो। पात्र मतलब है ठाकुर जी ये नहीं कहते हैं ये मुसलमान क्रिश्चियन नहीं ले सकते हैं, केवल हिंदू ही ले सकते हैं, ऐसे नहीं सब लोग ले सकते हैं। पवित्र अपवित्र नहीं ये नहीं कहते हैं, तुम अभी अपवित्र नाम नहीं ले सकते हो तभी भी तुम नाम ले सकते हो। इसलिए स्थान काल पात्र हर समय में प्रभु का नाम को कर सकते हो, इसमें कोई विधि विधान नहीं, और इसको द्वारा ही हमारी उद्धार होने वाले। इसलिए आप लोग सबके सब जब गुरु जी से माला लिए ना, गुरु जी कहते थे जो गुरुदेव माला दिए, ये माला नहीं दिए गुरु जी साक्षात कृष्ण को दिए। आप माला जब नहीं कर रहे हो ठाकुर को सेवा करते हो, क्यों कलयुग में ठाकुर अपना नाम रूप में आए, इसलिए गुरुदेव कहते थे अगर एक दिन माला जब नहीं किया ना समझो ठाकुर जी भूखे रह गए, मत रखा करो खुद भूखे रह जाओ, गुरुदेव कहते थे। इसलिए महाप्रभु जो प्रसाद लेकर के हरिदास ठाकुर के पास में आए, जो दिन में 3-3 लाख हरिनाम करते थे, बोले मैंने अभी 3 लाख नाम पूरी नहीं हुई, आज मैं प्रसाद नहीं ग्रहण करूंगा। महाप्रभु बोले अभी बूढ़े हो गए थोड़ा काम करो, देखो कितना अच्छी बात कहते हैं। बोले ठाकुर जी शरीर मोर सुस्त है असुस्त बुद्धिमान, मेरे शरीर तो चंगा लेकिन ये जो बुद्धि है ना ये असुस्त है, ये बदमाशी है, ये बदमाशी ये बुद्धि है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे सवेरे उठो और अपना जूती लेकर के अपना मन को 100 बार पीटो, मतलब ये मन को समझा, मैन हरिनाम करना ये हर काम के लिए देखना तैयार बैठते रहता है, घूमने के लिए तैयारी बैठ करना, सिनेमा देखने के लिए तैयारी, स्मार्टफोन देखने के लिए तैयारी, और ये क्या टीवी देखने के लिए तैयारी, लेकिन जब हरिनाम के नाम बताओ ना कितने बहाना बनाता है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे क्या सवेरे उठकर 100 बार अपना मन को पिटो, मन को समझा भैया हरिनाम करो, यही केवल तुम्हारी काम में आएगा, ठीक है। बोले श्री हरिनाम संकीर्तन की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की जय, जय श्री राम। प्रभु जी एक बढ़िया भजन गाएंगे, आज कथा को हम यही विश्राम देते हैं, फिर कल से फिर कथा करेंगे। अभी प्रभु जी एक बढ़िया नाचने वाले भजन गाएंगे, अब लोग बैठ बैठ करके प्यार लगता है, तू प्यार दर्द हो गया पर खड़े हो जाओ और भजन में आप लोग सभी प्रसाद जाना, आज बढ़िया प्रसाद बनाए हैं, सब प्रसाद खाते Yeah.
अकेली हरी तेरी